दोस्तों जब ये आर्टिकल मैं पढ़ रहा था तो एक थॉट आया मेरे माइंड में, यानी कि एक विचार आया मेरे माइंड में, और वो विचार ये था कि इस दुनिया में सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है किसी इंसान के साथ में। यानी कि एक तरीके से आप लोगों ने सोचा होगा कि यार मेरे पास में लैपटॉप नहीं है, मेरे पास में मोबाइल नहीं है, मेरे पास में अच्छे जूते नहीं है, अच्छी शर्ट नहीं है, पैंट नहीं है, या फिर घर पर अच्छी टेबल चेयर नहीं है बैठकर पढ़ने के लिए। पर लेकिन एक उस इंसान के बारे में सोचो, उस बच्चे के बारे में सोचो जो कूड़े करकट में से निकाल कर खाना खा रहा है। वो भूखा सो जाता है एक बार, कई दिन कई टाइम उसको खाना भी नहीं मिलता है। इस धरती पर भूखा रहना, खासकर बात करें तो जब हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने देश के अंदर में, आज ही बहुत सारे लोग जो हैं भूखे सोते हैं। और मुझे यार ये लगता है कि ज़िंदगी में कुछ करो चाहे ना करो, पर कम से कम इतना ज़रूर करना कि कभी भी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर बैठो वहाँ करप्शन मत करना यार, क्योंकि जो भी करप्शन होता है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में, वो किसी भूखे के पेट पर लात लगती है। अमीर का कुछ नहीं बिगड़ता है, उसकी झोली में हमेशा पैसा आता रहता है। तो ये चीज़ मुझे लगा कि आप लोगों से बोलनी है, मुझे अक्सर ये चीज़ मैं आप लोगों को बोलता भी हूँ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग FAO बोलते हो, उसका अगर मोटो आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को बड़ा ही प्यारा सा उसका मोटो देखने को मिलेगा। ये आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आप लोग जाकर उसका मोटो पढ़िएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हम लोग को फोकस देना चाहिए। खासकर अगर अब आप लोग इस चीज़ पर फोकस दोगे, जैसे कोई भूखा दिख गया आप लोगों को, कोई गरीब इंसान दिख गया जिसकी आप लोग हेल्प कर सकते हैं, तो जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर बैठोगे ना, तो आप लोगों के पास में पावर होगी और इन चीज़ों को आप लोग सुधार पाओगे, ठीक है। तो एक छोटी सी बात थी, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कुछ समझ बड़ी होगी। और बाकी अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बोली जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में जब बनाए जा रहे थे, तो उनको भी लगा होगा यार ऐसी कौन सी सबसे खतरनाक चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव है दुनिया में, जो कि सबसे पहले ठीक होनी चाहिए, अगर ये ठीक हो गई तो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। तो उनको भी लगा यार सबसे खतरनाक चीज़ है गरीबी। गरीबी अगर इंसान की मिट जाए तो उसकी भुखमरी मिट जाएगी, और भुखमरी मिट गई तो फिर वो अच्छे से अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखेगा, और हेल्थ अगर ठीक हो गई तो फिर इंसान पढ़ तो लेता ही है। यानी कहने का मतलब ये कि आप लोगों के पास में इतने रिसोर्सेज हैं घर में, और आप लोग कई बार एक्सक्यूज़ बना देते हो, मम्मी पापा ने ये नहीं दिया। अगर मम्मी पापा आप लोगों से कंप्लेन करने पे आ गए ना कि आप लोगों ने उनका कितना खून पी रखा है और आप लोग क्या क्या नहीं करते हैं, तो वो एक अलग ही लेवल पर आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे कि आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए यार जो भी मिल रहा है उनका एहसान है आप लोगों के ऊपर, एक तो आप लोगों को पैदा कर दिया, और एक है आप लोगों को पढ़ा लिखा रहे हैं। कई सारे बच्चे पता है क्या बोलते हैं, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटा अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करने पर आ जाए ना, तो आप लोग कभी ना एक उन्हें कहते हैं कि उनकी जो पूरी ज़िंदगी में से एक साल भी अगर उनकी जगह बिताओगे तो आप लोग उसका भी कर्ज नहीं चुका पाओगे। पूरी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी बात है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी तो एक तरीके से आपका अस्तित्व है इस दुनिया में उनकी वजह से। तो यार हमेशा जो भी रिसोर्सेज आपके पास में है उसको एक तरीके से इस तरीके से देखो कि ये एनफ है मेरे लिए ज़िंदगी में, और इससे मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग पढ़ने बैठो। शानदार आर्टिकल है यहाँ पर, UPSC प्रीलिम्स ये पेपर 2 गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर आप लोग यहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करूँगा, और यहाँ से प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में हर जगह आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे वो मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँगा। एक बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है यार यहाँ पर, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आ जाता है, समझने में, हालांकि इसमें कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं कि आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोग याद रख लेते हैं तो आप लोग जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं फिर आसानी से आंसर राइटिंग में, या फिर आप लोग किसी गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करानी है या कोई इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड कराना है, तो यहाँ पर ये तीन टर्म ऐसी हैं जिनको आप लोग हमेशा यूज़ कर सकते हो। एक को बोलते हैं अवेलेबिलिटी, यानी कि वो चीज़ अवेलेबल है उस एरिया में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर या देश के अंदर अवेलेबल है यहाँ पर ये। दूसरा है अफोर्डेबिलिटी, और तीसरा है एक्सेसिबिलिटी। जैसे अगर ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोग यहाँ पर लगाओगे अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, मान लीजिए खाने के ऊपर लगाना है, पहले तो हमारे देश में जो है वो खाना होना चाहिए, यानी कि हमारे देश में जो है वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। अगर देश में चीज़ अवेलेबल होगी तभी तो आप लोग बोलोगे कि ये अफोर्डेबल हो सकती है, फिर एक्सेसिबल हो सकती है। मतलब मान लीजिए गेहूँ जो है वो हमारे किसानों ने उगाए, और हमारे किसानों ने वो गेहूँ उगाकर फिर जो है वो देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने स्टार्ट कर दिए। जैसे ही वो लोगों के एरिया में पहुंचे तो लोगों ने चेक किया कि यार ये जो है हम इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं नहीं, यानी कि ये इतना सस्ता है कि हम लोग इसको खरीद पाएंगे। और खासकर जिस एरिया में वो रहते हैं, मान लीजिए देश के अंदर चावल है, गेहूं है, पर लेकिन आप लोग जो है आप लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, और गेहूं और चावल है उड़ीसा के अंदर में,
तो आप लोगों को क्या लगेगा, यार हमारे पास में तो है ही नहीं है, अब वहां से गेहूं चावल लेने उत्तर प्रदेश से उड़ीसा कोई जाने से रहा। तो कहने का मतलब ये कि आप लोगों की एरिया में वो एक्सेसिबल भी होने चाहिए, यानी कि जिस एरिया में आप लोग रहते हैं वहां पे भी वो अवेलेबल होने चाहिए, और इतने अवेलेबल हों कि आप लोग उनको अफोर्ड कर सको, खरीद सको, और ये तभी जाकर इसका मतलब होता है फूड सिक्योरिटी एक्ट का। अभी फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूंगा, अभी जो क्वेश्चन है आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारी कंट्री में राजीव गांधी जी के द्वारा एक बड़ी फेमस बात बोली गई थी कि अगर गवर्नमेंट की टॉप अथॉरिटी से 100 रुपये चलते हैं या फिर 100 पैसे चलते हैं तो नीचे ओनली 64 पैसे पहुंचते हैं, यानी कि 84 जो है वो सबका हिस्सा बढ़ जाता है, तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर ये जो हिस्सा है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, और उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है टेक्नोलॉजी ने। आप लोग बोलोगे टेक्नोलॉजी ने कैसे रोल प्ले किया है, आप लोग खुद सोचो, पहले क्या हुआ करता था कि अगर किसी को एक तरीके से पेंशन देनी है, किसी गांव में पेंशन पहुंचानी है, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आएगी, स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में आएगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अगर ग्राम प्रधान के हाथ में आएगी, और ग्राम प्रधान से फिर उसके हाथ में आएगी जिसके पास में वो जाना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, यानी कि सबका यहाँ पर कोई ना कोई शेयर जो होता है वो कटता चला जाता है, और सामने वाले के हाथ में जो है फिर बस एक तरीके से यानी कहते एक सिक्का पड़ता है आकर, ओनली ये कंडीशन देखने को मिलती है, और इसी को कहते हैं करप्शन, यानी कि इंसान उस इंसान का हक मार ले जो कि यहाँ पर एक तरीके से जिसकी इसको बहुत ज़्यादा जरूरत थी, और ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जब से टेक्नोलॉजी आ गई है तब से ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंडीशन जो है वो सवरी है। आप लोग खुद सोचो यार, एक इंसान रात को भूखा सो रहा है और एक इंसान जो है वो खाने को फेंक रहा है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखो, यहीं से ही इज्जत बनती है चीज़ों की। आप लोग अगर ये चीज़ें समझ गए, शाम को जब भी खाना खाते हो, दोपहर में खाना खाते हो, एक बार याद करा करो उस किसान को जिसने वो खेतों में उगाया, याद करा करो यहाँ पर उस इंसान ने जिसने आप लोगों के लिए खाना पकाया है, और याद करा करो उस इंसान को जो आप लोगों के घर में परोस रहा है। यानी कि अगर किसान के बच्चे हो तो यहाँ पर पता होगा कि पापा जो है खेतों में कमा के लाए, मम्मी ने जो है खाना बनाया, और बहन जो भाई ये छोटा कोई आप लोगों को ये खाना परोस रहा है, ठीक है, तो उसकी इज्जत करना सीखो, बड़ी ही मेहनत से आप लोगों की थाली में जो है खाना पहुँचता है। उड़ीसा जो है उसके द्वारा टॉप किया गया स्टेट रैंकिंग के अंदर में, जिसने नेशनल फूड सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया है। उड़ीसा का एडमिनिस्ट्रेशन यार कभी कभी सुनने में जब भी इसके ऊपर कोई आर्टिकल आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है कि नवीन पटनायक साहब जो है शानदार तरीके से स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं एज कम्पेयर टू और स्टेट के। बाकी अंदर की बात तो आप उड़ीसा वाले हो, आप बताओगे कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश ने, जो कि इतना बड़ा राज्य है कि ये माना जाता है कि मिनी इंडिया बोला जाता है इस राज्य को, और यहाँ पर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया, तो योगी जी अच्छे से काम कर रहे हैं इसका मतलब, और आंध्र प्रदेश के अंदर भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है बताइए जरा। अगर बात करें यहाँ पर यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर जो कि पीयूष गोयल जी हैं आज के डेट में, उन्होंने ये रैंकिंग पब्लिश की है। तो एक क्वेश्चन तो बड़ा ही प्यारा से ही पूछ लेते हैं, ऐसे स्टेट फीसेस में कई बार आता है, ये पूछ लेंगे कि स्टेट रैंकिंग इंडेक्स ऑफ फोर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी 2022 ये किसके अंडर आप लोग यहाँ पर देखें, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर इसको एक तरीके से रिलीज करती है। तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पर फूड एंड कंज्यूमर अफेयर ये इसको यहाँ पर रिलीज करती है, ताकि लोगों तक फूड के साथ साथ में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये बेसिक चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं आप लोगों के। और हाँ यार एक बात, आर्टिकल सुनते सुनते ये मत भूल जाना कि आर्टिकल के एंड में आप लोग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो तभी आर्टिकल आप लोग टकटकी लगाकर सुनना है ताकि उन क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग यहाँ पर दे सको। तो आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्टेट रैंकिंग बात की जा रही है, यहाँ पर स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। तो यहाँ पर जो ये रैंकिंग दी जा रही है स्टेट्स को, तो यहाँ पर उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी के, कैसे कैसे यहाँ पर इनके द्वारा पब्लिश किए गए। तो फर्स्ट एडिशन जो है यहाँ पर वो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, और इसके चलते यहाँ पर जो जो स्टेट उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है तो यहाँ से पता चलता है कि उसने कितनी प्रोग्रेस यहाँ पर की है, ठीक है। तो इसके चलते देखिए, अगर मान लीजिए एक गाँव में कोई बच्चा रहता है, उसने पढ़ाई करी, वो आगे चलकर जो है अपनी तहसील पर पहुंचा, तहसील में उसने अच्छे नंबर लेकर आया, एक तरीके से नहीं एक गांव का बच्चा निकला, फिर तहसील में एक तरीके से नाम हो उसका, आगे चलकर पता चला उसने तो डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रखा है, आगे चलकर पता चला उसने स्टेट टॉप कर रखा है। तो यहाँ से आप लोग क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, बच्चा तो वही है ना, पर लेकिन अगर देखोगे तो पहले उसको गाँव का देख रहे हैं, गाँव का टॉपर हो गया, फिर देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हो गया, फिर स्टेट का, फिर वो हो गया सेंट्रल लेवल पर टॉप। तो ऐसे ही अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट जो है वो ढंग की परफॉर्मेंस अगर दे रहा है, ठीक है, पहले तो अपने एरिया में टॉप कर दिया, ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो गया, नॉर्थ ईस्ट में टॉप कर दिया, ठीक है, फिर उसको कंट्री के लेवल पर देख रहे हैं, और कई सारे ऐसे भी राज्य हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जाता है, जैसे कि अगर बात करें, जैसे हम लोग बात करते हैं ना एक तरीके से जब यहाँ पर ऑर्गेनिक उसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, तो वो ऐसा था हमारे सिक्किम का नाम आता है कई बार, ठीक है,
कि ऑर्गेनिक फील्ड में कितनी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर सिक्किम के द्वारा दी गई है, तो उसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रैंकिंग काफ़ी अच्छी रहती है, जब रैंकिंग दी जाती है तो उससे कॉम्पिटिशन का माहौल भी आप लोगों को देखने को मिलता है। अक्सर आप लोगों ने क्लास में देखा होगा जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक दूसरे के बीच में कॉम्पिटिशन रहता है, पर लेकिन यार कोशिश किया करो हमेशा अपने आप और अपने साथ में आप लोगों को अपना कॉम्पिटिशन करना है, ठीक है। जैसे अभी मैं आप लोगों को बताऊँ, एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया मुझे और बोला गया कि सर मुझे अपने नोट्स प्रिपेयर करने थे और नोट्स प्रिपेयर करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, मैंने सोचा उनको PPT की फॉर्म में नोट्स को थोड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जैसे कि PPT उठा ली उसने यहाँ से और खुद के अपने नोट्स बना रहे। आप लोग ये देखो यार, ये जो वीडियो आती है लगभग 1.5 घंटे की आती है, ठीक है। इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर कर रहा हूँ, द हिंदू न्यूज़पेपर कवर कर रहा हूँ, PIB कवर कर रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस कवर कर रहा हूँ, या फिर डाउन टू अर्थ मैगजीन के आर्टिकल कवर कर रहा हूँ। आर्टिकल के साथ साथ मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग भी दे रहा हूँ, आप लोगों को MCQ भी दे रहा हूँ हर एक टॉपिक के नीचे। तो जब ऑलरेडी इतनी मेहनत ये आप लोगों के लिए की जा रही है यहाँ पर, तो आप लोग के लिए क्रिस्प फॉर्म में आप लोगों को चीज़ें मिल रही है, तो आप लोग उस चीज़ के ऊपर क्यों आप लोग इतनी मेहनत लगा रहे हो। ये नोट्स ही है ना एक तरीके से आप लोगों के लिए, ये पूरा एक तरीके से आंसर राइटिंग का फ्रेम आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। जितने टाइम में आप लोग वहाँ पर उसको खुद से इतनी मेहनत कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर सकते हो प्रॉपर वे में, एक क्या 2-3 बार रिवाइज कर लोगे इतने टाइम में। मतलब ये तो वही बात हो गई कि घर वालों ने आप लोगों के लिए खाना बनाया, आप लोगों ने क्या बनाया कि आपका खाना पसंद नहीं है, हम तो फिर से खाना बना रहे हैं और फिर से खाना बना के अपने आप खाएंगे। समझ रहे हो आप लोग, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत करना है तो जैसे कि आप लोग क्या करो, थोड़ा सा एडिशन कर लो अगर आप लोगों को कोई नया पॉइंट लग रहा है। हालांकि जितनी बार आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कई सारे आर्टिकल आते रहते, तो नई नई चीज़ें आप लोगों को मिलती रहती है, पर लेकिन सारी चीज़ें आप लोगों को PPT में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ये रहता है कि आप लोग जब रिवीजन करने बैठेंगे, एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार आप लोगों ने इनको डाउनलोड कर नजरों में को निकाल लिया, एक बार फिर जब आप लोग अगर बात करें तो जैसे कि मंथली वीडियो आती है उसमें आप लोगों ने देख लिया, तो इससे आप लोगों को तैयारी अच्छी हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब PPT यहाँ पर बनाई जाती है तो बेसिक पर्पज आप लोगों को ये देखिए कि उसमें इस तरीके से आप मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको आप लोग अच्छे से थोड़ा बहुत एडिशन कर लीजिए अपना, हालांकि वो भी सारी चीज़ें होती रहती हैं, पर क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिए जो हर एक PPT के एंड में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यार सीधा सीधा यहाँ पर ये है कि नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को ये PPT मिल रही है, तो ये आप लोग अच्छे से सहज कर रखिए और अपना रिविजन वगैरह अच्छे से करते रहिए। और अगर आप लोग 1.5 घंटा दे रहे हैं तो 1.5 घंटे में कितनी सारी चीज़ें कवर हो जाती है वो आप लोग देखिए, तो बहुत सारा फायदा आप लोगों को होगा, पर लेकिन आप लोगों को उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। जब आप लोग वैल्यू दोगे उस चीज़ को, उन्हें कहते हैं कि घर वाले भी कई बार कहते हैं कि शादी हो जाएगी तब पता चलेगा माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे होंगे तुम्हारे, ठीक है, जब जॉब करने लगोगे तब पता चलेगा कि पैसे कमाने की अहमियत क्या होती है। तो वही चीज़ें हैं यार, थोड़ा सा ये चीज़ें अगर इतने अच्छे से आप लोग लेकर चलो, जितनी अच्छे से PPT बनाई जा रही है आप लोगों के लिए, तो उसको आप लोग इन्जॉय कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किया गया अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको आप लोग PMGKAY भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो एक ऐसी स्कीम है हमारे देश के अंदर में जो कि गरीबों के कल्याण के लिए बनाई गई है, यानी कि सोसाइटी में वो तबका जिसके ऊपर कोई फोकस नहीं दे रहा है, उसमें बोला गया कि प्रधानमंत्री इस स्कीम को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे प्रधानमंत्री के नाम पर। इसके 3 पिलर यहाँ पर रखे गए, जिसमें यहाँ पर बोला गया एक तो सबसे पहला यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए वो एंड टू एंड होना चाहिए, यानी कि लास्ट छोर तक पहुँचना चाहिए, और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जाना चाहिए। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, ये एक अलग से ही कॉन्सेप्ट बन जाता है बड़ा ही प्यारा। जैसे मान लीजिए एक सोसाइटी है, एक गांव है, उस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक ऐसा है घर जो कि अच्छी खासी जमी है, मतलब जमींदार है, ट्रैक्टर वैक्टर घर में, गाड़ी वाड़ी स्कूटर मोटरसाइकिल सब कुछ है, वो इंसान जो है क्या उसको फूड सिक्योरिटी की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा है जिसके घर में छप्पर पड़ा हुआ है, जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी उस इंसान को मिलती है, तो किसको यहाँ पर खाने की जरूरत है, तो इसको है। तो इसका मतलब ये होगी टारगेटेड का मतलब है कि इसको टारगेट करना है कि खाना इसके पास जाना है ना कि इसके पास में। एक तो हो गया कि यूनिवर्सल करा दिया, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो सबको भाई साहब ना, वो नहीं कहते कि गल्ले का तेल मिलेगा जैसे राशन का कोटे का तेल मिलता था, तो वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो अफोर्ड जो एक तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपने आप ले ले, ठीक है, और बाकी यहाँ पर इन तक पहुँचा जाए, तो टारगेटेड ये काम किया गया। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है उसमें कवरेज किया गया टारगेटिंग, और इसी तरीके से एक्ट के अंदर काम किया गया डिलीवरली, एक तरीके से डिलीवर करने के लिए प्लेटफॉर्म, और न्यूट्रिशन के ऊपर भी फोकस दिया गया कि हाँ यार थोड़ा सा दाल वगैरह भी दी जा सके, चीज़ों को उस तरीके से लेके चलना है, यानी कि बेहतरीन तरीके से जो है वो स्कीम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो
तो जो वही बात है यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो खाना आप लोगों तक पहुँच रहा है ना वो बड़ी सिस्टमेटिक वे में आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, पर लेकिन इसका मतलब नहीं कि बहुत आसानी है। सोचो आप लोग जब यानी बाढ़ आ जाती है कहीं पर, सारी फसलें बह जाती हैं, तो सोचो यहाँ पर उस किसान के ऊपर क्या बीतती होगी। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस तरीके से चीज़ों को अहमियत देंगे हम लोग ज़िंदगी में तो हम लोग समझ पाएंगे कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर बात करें यहाँ पर कई सारी और भी फाइंडिंग्स बताई गई हैं, जैसे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार आप लोगों ने स्टेट पीसेस में देखा होगा ऐसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी बनते हैं आप लोगों से, जैसे टॉप राज्य कौन सा है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश जिसने इंप्लीमेंट किया है, सबसे नीचे कौन सा राज्य है जिसने इंप्लीमेंट नहीं किया ढंग से, तो दिल्ली, छत्तीसगढ़, इसी के साथ में गोवा, इन्होंने नीचे से टॉप किया है। तो जनरल कैटेगरी में तो जैसे मैंने बता दिया उड़ीसा, इसी के साथ में यहां पर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। स्पेशल कैटेगरी में आप लोगों को त्रिपुरा देखने को मिलेगा टॉप पे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड में या फिर हिमालयन स्टेट में या फिर आइलैंड वाले एरिया में। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम फिर सेकंड और थर्ड प्लेस पे है। जिनकी परफॉर्मेंस वर्स लेवल पर देखने को मिल रही है उसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये स्टेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जो कि नीचे से टॉप कर रहे हैं, और यहाँ पर भी आप लोग इसकी रैंकिंग देख सकते हैं जो आप लोगों के सामने है। अगर कोई माइंड में डाउट हो तो उसको क्लियर करके आप लोगों को जाना है। तो इस तरीके से अलग अलग भी रैंकिंग आप लोगों को यहाँ पर दिखाई गई है। अब यहाँ पर बात की जा रही है किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जैसे यहाँ पर बोला गया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे कि आप लोग बोले कि घर में जो है एक तरीके से ना, जब यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा होता है काफ़ी कमज़ोर होता है और माँ बाप जो है उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ये ना कमज़ोर है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा खाने पीने के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो वाली चीज़ें हैं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी यहाँ पर जो कमज़ोर तबका है सोसाइटी में उसको टारगेटेड किया जाता है। तो एक तो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो इसलिए यहाँ पर उनको फोकस दिया जाता है। और टीचर भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर कोई ऐसा कमजोर सा बच्चा है तो उसको हमेशा फोर्स करता है, थोड़ा सा अलग से उसको प्रेफरेंस देता है कि चल ऐसा करना बाद में पूछ लेना, ठीक है जब सब चले जाएं, तो उसको अलग से थोड़ा बता दिया बेचारे को, ताकि देखिए हर एक इंसान की ना फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो जो इस तरीके के बच्चे होते हैं ऐसा नहीं कि उनमें उसमें बुद्धि कम है या फिर वो पढ़ना नहीं जान रहे, बस ये कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है उसको समझने में, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई एक इंसान ऐसा है उसको टॉपिक एक बार में समझ में आ गया, एक इंसान ऐसा है दो बार पढ़ने में समझ में आ गया, तो टेंशन क्या लेनी है, दो बार पढ़ के समझ लो भाई। कौन सा यहाँ पर मिल्खा सिंह की रेस हो रही है कि आप लोगों को आगे निकलना है, अभी टाइम भी है, चीज़ों को समझ समझ कर अपना समझ से अच्छे से लेके चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद में तो बल्ले बल्ले, तो वो चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन बन जाता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं तो राज्य के अंदर कंपटीशन आएगा तो अच्छे से अपने एरिया में वो फूड प्रोवाइड कराएंगे। अब उड़ीसा ये सोचेगा कि मेरे वाले लोगों को सबसे अच्छे से स्कीम मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि नियरली 80 करोड़ जो लोग हैं उनको सब्सिडाइज फूड मिलता है जिसमें अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है कि इंसान को देखिए खाना दे दिया 5 किलो उसको ओनली 2 से 3 रुपए के अंदर में, तो इससे उसको ये भी नहीं लगेगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज लग रही है मुझे यहाँ पर, इसके ऊपर स्टार लगा सकते हो आप लोग। इससे सबसे बड़ी फायदा पता है क्या है, देखिए भूख तो मिटी रही है पर लेकिन जो भूख मिट रही है ना उस भूख में आप लोगों को सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिलेगी कि इनको शान है कि हाँ आप लोग पैसे अपना देकर खाना खरीद रहे हैं, किसी ने हमें भीख में खाना नहीं दिया, ये तो शान से खरीद रहे हैं यहाँ पर, चाहे भले ही पैसा कम दे रहे हो पर लेकिन इनको पता है कि पैसा अपनी जेब से दे रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये एक बार मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो वहां पर एक ऐसे अंकल थे वो क्या करते थे पर्टिकुलर डे पे कहीं पर जाकर वो छोले चावल खिलाया करते थे। तो छोले चावल इतने शानदार भाई साहब की होटल वाले भी ना खिलाए, तो कई सारे लोगों ने पूछा कि अंकल जी इतना अच्छा खाना इतना सस्ता कैसे देते हो, तो कह रहा कि देखो यार मैं फ्री में भी दे सकता हूँ इस चीज़ को, पर लेकिन फ्री में दूंगा तो कई सारे लोग जो है उसकी कदर नहीं करते हैं, और ये उनको ये कई सारे लोगों को ये भी लगता है कि यार अगर फ्री में दे दिया एक तरीके से कि फ्री का खाना खा रहा है। तो उन्होंने क्या रख रखा है, जो प्लेट जो होती है जो 50 रुपए की प्लेट है, ठीक है मान लीजिए कोई 50 रुपए की प्लेट आ रही है तो क्या कर रहे हैं उसको 5 या 10 रुपए में दे दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग, 10 गुना प्राइस कम करके उसको दे रहे हैं ताकि जो खाने वाला हो वो तसल्ली में खा सके, ये बोल के कि पैसे देकर खा रहा हूँ भाई साहब फ्री में नहीं खा रहा हूँ, वो वाली चीज़ होती है। तो वही वाली शान जो है यहाँ पर गवर्नमेंट फील कराना चाहती है, वरना जहाँ इतना फ्री प्रोवाइड करा दिया 1-2 रुपए में तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है यहाँ पर, तो इसको यही फील कराना चाहती है कि आप लोगों ये अपना पैसों से खरीद के ले रहे हो तो इसको आप लोग का हक है ये, ना कि आप लोगों को कोई भीख में दे रहा है। तो हक में और भीख में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो 1 रुपया भी लेकर तो उसको हक दे दिया 1 रुपए में, समझ रहे हैं आप लोग, ये तो ये होता है स्वाभिमान वाला काम करना। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर फोकस देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और मुझे यार जब भी यार इस तरीके की चीज़ें पढ़ता हूँ ना तो मुझे हमेशा सिंगापुर का नहीं स्विट्जरलैंड का उदाहरण याद आ जाता है। स्विट्जरलैंड में एक बार पूछा गया स्विट्जरलैंड के लोगों से कि यूनिवर्सल बेसिक स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है, उसमें बेसिक क्या था कि यहाँ पर कई सारे मतलब एक तरीके से एक मिनिमम वो रख देंगे कि हाँ हर एक इंसान को 5-5, 6-6 हज़ार रुपये देने, तो ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने की बात की गई स्विट्जरलैंड के अंदर में। तो आप लोग यकीन नहीं करोगे,
70 से 80 परसेंट के लगभग 90 परसेंट लोगों ने वो स्कीम लेने से मना कर दिया। कह रहे फ्री में नहीं चाहिए, इससे हम लोग जो है आलसी हो जाएंगे, नकारे हो जाएंगे। हम लोग जब काम करें उसमें हमको अलग से थोड़ा सा एडवांस पैसे दे दो, ज्यादा ज्यादा बढ़ाकर। यानी कि अगर 5,000 सैलरी दे रहे हो तो ठीक है, हमको 6,000-7,000 सैलरी बढ़ाकर 10,000 सैलरी वैसे दे दो, हमारे काम की दो, फ्री में मत दो हमको। तो उससे क्या होता है, इंसान के अंदर स्वाभिमान बना रहता है, और स्वाभिमानी इंसान जो है ना पता नहीं क्या क्या कर जाता है। पर लेकिन जिसको फ्री में खाने की आदत पड़ जाती है तो फिर दिक्कत क्या होने लगती है, वो इंसान को ये लगता है कि हम मिली रही है, कर रहे हैं क्या, चल तो रही है जिंदगी, कट रही है यार, एक पेट हर भर जाता है, फिर करना ही क्या है। तो उससे हम लोग अपनी देश की जो एसेट्स है, यानी कि जो इंसान है जो कि बहुत कुछ देश में प्रोडक्टिव कर सकता है, एक साइंटिस्ट है जो देश में क्या क्या कर रहा है, ठीक है, और एक ऐसा इंसान है जिसको कुछ करने का मन ही नहीं है, बस पड़ा हुआ है ऐसे ही, मतलब एक तरीके से कर ही नहीं रहा है कुछ भी, मन ही नहीं है, बस कट रही है, बस जिंदगी काट लेंगे, चले जाएंगे यार, कुछ कटेगी और कट जाएगी, तो वो वाले सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान होते हैं। तो उस तरीके के इंसानों से डिस्टेंस बना के रखना है। तो भला जब यहाँ पर बात की जा रही है, कई सारे इशू भी हैं यहाँ पर कि ये प्रोग्राम जो है कई बार जैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो की इशू है यहाँ पर, इट डज नॉट कवर प्रोग्राम एंड द स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द अदर मिनिस्ट्री। कई बार क्या होता है, ओवरलैप होने लगता है चीजें, ठीक है, और कई बार ऐसा होने लगता है कि चलो उसकी मिल रही है तो चलो रहने देते हैं, ऐसा भी तो होता है ना कई बार चीजें, कि वो दे रहा है तो चलो हम रहने देते हैं। इसके ऊपर भी एक छोटी सी कहानी याद आ गई मुझे ये तो सुनकर आप लोग थोड़ा सा हैरान हो जाओगे। एक कहानी यही, एक सर मेरे दादाजी सुनाया करते थे, एक गांव था, उस गांव में क्या हुआ, उस गांव में ये था कि चलो दूध इकट्ठा करते हैं और एक भंडारा करेंगे और खीर बनाएंगे। तो यहाँ पर कि सबको ना एक एक जो आधा आधा या फिर एक एक लीटर जो है सबको अपने घर से दूध लेके आना है। तो एक चतुर प्राणी था, चतुर प्राणी ने बोला कि इतना गाँव दूध डालेगा, क्यों ना मैं एक जग पानी, वो एक लीटर पानी डाल दूँ तो इतने दूध में क्या पता चलेगा। तो भाई साहब उसने ले जाके डाल दिया अपना पानी, ठीक है, वो ढका हुआ था, कौन क्या डाल रहा है दिख नहीं रहा था। आप लोग यकीन नहीं मानोगे जब बाद में उसको निकाला गया, उसमें मतलब उसमें पानी पानी था, मतलब सारे लोग ये सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, एक मतलब एक लीटर पानी डाल देंगे, सब तो दूध डाल ही रहे हैं। तो ये वो इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आप लोग अपने लेवल पर चीज़ों को सही करने की कोशिश करो, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिर होती रहती हैं। तो अपने लेवल पर आप लोगों को चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर टारगेटेड स्कीम के बारे में बात की जा रही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, और टारगेटेड जो यहाँ पर फोकस जो दिया जा रहा है, इससे क्या होता है कई बार एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीके से फोकस हो पाता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर में, तो एक स्टैंडर्ड भी बना रहता है, तो उसको लेकर चल रहे हैं। पर लेकिन कोई छूट ना जाए तब का, देखिए जस्टिस जुडिशरी भी यही बोलती है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, पर लेकिन एक जो है बेगुनाह इंसान को सजा ना हो जाए, तो वो पूरा फोकस यहाँ पर रहता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर बोलने की कोशिश की गई है। तो बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, आखिर वो फर्स्ट कैसे आ गया, यानी कि ये भाई साहब उड़ीसा जो है फर्स्ट कैसे आ गया, तो कुछ तो काम किया होगा उड़ीसा ने। जी हाँ, बहुत शानदार तरीके से काम किया, वन नेशन वन राशन प्रोग्राम को भी ढंग से इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि पूरे देश में कहीं भी चले जाओ आप लोगों को, आपका जो अगर राशन कार्ड आप लोगों के पास में है तो काम आप लोगों का चल जाएगा। एंड टू एंड कंप्यूटराइज कर दिया टारगेटेड पब्लिक जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर। इवन जो राशन कार्ड है उसको भी डिजिटल फॉर्म में यहाँ पर अपडेट किया, प्रॉपर वे में प्रोवाइड कराया यहाँ पर। ऑल जो फूड स्टोरेज हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर वे में यहाँ पर एक तरीके से रखा जा रहा है, और ऑटोमेटेड उनको एक किया जा रहा है कि खत्म होते उसके अंदर और माल पानी आता रहे, ठीक है। रियल टाइम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग की जा रही है, डोर जो स्टेप पर डिलीवरी की जा रही है ताकि हर एक घर में चीज़ें पहुँच जाएँ। फेयर प्राइस शॉप जो है उनको प्रॉपर वे में यहाँ पर, उन्हें कहते एक तरीके से जो पॉइंट ऑफ सेल वाली मशीन होती है, अपना स्कैन विस्कैन कर एटीएम लगाकर अपना सारा चीज़ें आराम से वहीं पर ही काम कर लो, अपना निपटा लो, ठीक है। तो वो वाली है कि ऑटोमेटेड वे में चीज़ें चल रही हैं, टेक्नोलॉजी जहाँ घुस जाती है ना वहाँ चीज़ों को आसान कर देती है। और इसी के साथ में सप्लाई की जा रही है फोर्टिफाइड राइस और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पर एक तरीके से मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया। अगर कोई यहाँ पर इस तरीके से टॉप पर है ना तो कुछ तो डिफरेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, अब दूसरे राज्य यहाँ पर इसे सीख सकते हैं कि हाँ वो टॉप पर बैठा हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो जो कमी है वो अपनी कमी को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। कि ये स्लाइड आप लोगों के लिए डाल दी गई है, हालांकि ये टॉपिक जो है 2013 से चला हुआ आ रहा है, पर फिर भी यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आज भी क्वेश्चन बन सकता है, 2013 का टॉपिक है। ये बोलोगे कि सर 2022-23 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे, जी हाँ यार ये टॉपिक न्यूज में रहते हैं, ठीक है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम 2013 में इंप्लीमेंट की गई, इस पर कई बार बीजेपी और कांग्रेस वाले लड़ते भी हैं, मुझे तो हमेशा वही बात याद आ जाती है, बीजेपी वाले कहते हैं कि हम लोगों ने स्कीम इंप्लीमेंट की है क्योंकि 2014 में वो पावर में आ गए थे, कांग्रेस वाले कहते हैं हम ये स्कीम लेकर आए थे, किसान कहता है भाई खेतों में अनाज मैंने उगाया था, मेरे बारे में बात कर लो यार तो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि काफ़ी अच्छे से स्कीम इंप्लीमेंट की गई, यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकता है। 67% टोटल पॉपुलेशन कवर की जा रही है, 75% गाँव की और 50% यहाँ पर अर्बन वाले एरिया की।
इसी के साथ में 1-2-3 रुपए किलोग्राम के हिसाब से अनाज यहाँ पर चावल दाल दे दिए जा रहे हैं, और इसके चलते यहाँ पर एलिजिबल जो हाउस होल्ड है उनको यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी जो है यहाँ पर 5 किलोग्राम पर पर्सन के हिसाब से, और अंत्योदय अन्य योजना फैमिली जो है उनको 35 किलोग्राम पर फैमिली पर मंथ के हिसाब से भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये एक तरीके से अलग अलग फोकस भी यहाँ पर दिया जा रहा है, जो ज्यादा गरीब तबका है सोसाइटी का उसको और ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर कवर किया जा रहा है 2011 के सेंसस के हिसाब से जो भी डेटा है यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा। तो इसलिए माना जाता है कि 81.35 करोड़ लोग जो हैं वो इसके बेनिफिट हैं, यानी कि इसके बेनिफिशरी हैं, इससे फायदा उठा रहे हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एक स्कीम भी आप लोग यहाँ पर कवर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी बहाने से आप लोग की स्कीम भी कवर होगी, इसी बहाने से आप लोगों को यहाँ पर ये पता चल गया कि क्या क्या चीजें हैं। तो सारी चीजें आप लोगों ने एक एक कर देख ली। अब अगर रियलिटी में आप लोगों ने अच्छे से आर्टिकल पूरा एंजॉय किया है, तो एक ऐसा आर्टिकल है जिससे बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन चुके हैं ऑलरेडी। जैसे कि आप लोग देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट, ये आप लोगों को बतानी है। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया फैमिली जो इसके अंडर आती है कैटेगरी बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव द सब्सिडाइज फूड, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाली ही यहाँ पर इसको खाना मिलता है। अगर आप लोग अबो पॉवर्टी लाइन है यानी गरीबी रेखा के ऊपर है तो आप लोगों को इससे खाना नहीं मिलेगा। जब आप लोग अबो पॉवर्टी लाइन है तो पहले तो बात ये होगी आप लोग यहाँ पर खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसा कई बार ऐसा भी तो होता है ना, अबो पॉवर्टी लाइन है इंसान पर, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन बन गई हो कि यहाँ पर उसकी एक तरीके से ना घर गृहस्थी ठीक ना चल रही हो, क्या हो गया, तो उसको खाना नहीं मिलना चाहिए क्या, आप लोग ये बताइए। आप लोग इसे भी समझ सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो गाँव में खाना दिया जा रहा है ऐसे ऐसे लोगों को भी मिल रहा था कि वो अपने जानवरों को खिला रहे थे। तो इसका मतलब अगर आप लोग टोटल इसको प्रॉपर वे में देख रहे होंगे तो आप लोग तुरंत समझ जाओगे यार गांव में तो ऐसे ऐसे मिल रहा है यार ये। तो ऐसा आप लोगों के माइंड में एक आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए तुरंत। तो एक और पॉइंट आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि ये कितने प्रतिशत को यहाँ पर कवर कर रहा है, यहाँ के 67% पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। तो 67% पॉपुलेशन हमारे देश की बिलो पॉवर्टी लाइन है क्या? तो वैसे भी आप लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है यहाँ पर। जैसे ये स्टेटमेंट चली गई यहाँ पर तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट चली गई। बोला गया प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग जो मदर है वो इंटाइटल है यहाँ पर टेक राशन, और यहाँ पर लगभग 1600 कैलोरी पर दे उनका प्रेग्नेंसी के हिसाब से अगर बात करें 6 मंथ के लिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट बोली गई है। आप लोगों को याद होगा मैंने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आप लोगों को पढ़ाई थी, ठीक है, तो उसके तहत अगर आप लोग बात करेंगे तो उनको 6000 रुपये यहाँ पर देने की बात की जा रही थी। कैलोरी तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट जैसी रहेगी उसके हिसाब से दी जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि हर एक इंसान का डाइट जो होती है वो एक जैसी होती है, सबकी डाइट जो होती है वो अलग अलग होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आप लोगों को यहाँ पर गलत देखने को मिलेगी। ये है यहाँ पर कि घर में जो एल्डेस्ट जो वुमेन है हाउस होल्ड के अंदर में 18 ईयर या फिर उससे अबव है तो उसको हेड माना जाएगा, और उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोग ये है राशन कार्ड इशू कर सकते हैं। तो वुमेन इम्पावरमेंट की भी स्कीम यहाँ पर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अगर आप लोग टॉपिक को सुनकर जाओगे तो कई सारी ऐसी स्टेटमेंट रहेगी जिनको आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे, एलिमिनेशन मेथड यूज कर भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पॉज कर एक बार पढ़ के क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिए ताकि आप लोगों के भी थोड़े चक्षु खुले। फूड ग्रेन्स अंडर द जो यहाँ पर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है विल बी मेड अवेलेबल एट सब्सिडाइज प्राइस 2-3-2-1 ये पर किलोग्राम राइस वीट एंड जो कोरस ग्रेन होते हैं ये बोला गया, ठीक है। ग्रेविंस रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है अवेलेबल होगी नेशनल और स्टेट लेवल पर, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। करेक्ट नहीं पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया है, ये हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ यार। पता चला पूरा अच्छे से टॉपिक पढ़ के गए, पूरी मेहनत करके गए, रिविजन करके गए और क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी एग्जाम में, वो बोलेगा अत तरीकी क्या हो गया यार, ठीक है। तो उस तरीके वाले काम नहीं होना चाहिए यहाँ पर, पूरा अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना है तभी आंसर देना है, ठीक है। तो आंसर दीजिए, देखता हूँ कौन कौन सी आंसर देता है। वैसे अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दोगे, वैसे क्वेश्चन अच्छा फ्रेम किया गया आप लोगों के लिए। यहाँ पर अगर बात करोगे नॉर्मली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आकर चेक करेगी यहाँ पर ये सारी चीजें, ये काम तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी करेगी, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर इतना काम थोड़ी ना है, वो तो बोल दिया यार तुमको स्कीम बनाकर दे दी तुम इंप्लीमेंट कर लो, तो यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो टॉपिक ऐसे तैयार करो यार कि अब यहाँ पर इस टॉपिक को किसी को पढ़ा भी लेना चाहे जाकर, ठीक है। तो बिल्कुल उस तरीके से चीज़ों को लेकर चलो, हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि एक तरीके से चारों तरफ से चक्षु खुल जाए टॉपिक के भी, उसको लगे कि यार ये इंसान बैठ के पढ़ा रहा है, मतलब ये इंसान बैठ के पढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या पढ़ेगा, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक, कोई डाउट हो तो बताना, थम्सअप देकर बता सकते हो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, उन्हें कहते प्यार बांटने से बढ़ता है।
तो ये प्यार ही है, और प्यार हमेशा दो तरफा होता है, एक तरफा प्यार कामयाब नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना, ओके? देखो यार, चाय तो सब बना रहे हैं, पर लेकिन जो चाय मोदी जी ने बनाई है उसका टेस्ट ही शानदार था, पूरे देश को पीने में मज़ा आ गया, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ऐसी एक चाय बनाने वाले और आज के डेट में काफ़ी फेमस है, MBA चाय वाले, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। तो मैंने ये कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है, तो यानी कि जब कुछ डिफरेंट करोगे आप लोग ज़िंदगी में तो आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वरना क्या होता है, नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब तक ज़िंदगी में आप लोग कुछ कर नहीं लेते तो आप लोगों को ये बोला जाता है कि ये फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है, ढिमकाने का बेटा है, ढिमकाने की बेटी है। पर लेकिन जब आप लोग खुद कर लेते हो तो अपोजिट हो जाता है। अगर आप लोग के फादर या मदर कहीं जाते हैं तो ये बोलते हैं ये उसके मदर फादर है, यानी कि आप लोगों के नाम से आप लोगों के मम्मी पापा जाने जाते हैं। और जिस दिन आप लोगों ने ऐसा कर दिया तो आप लोग जो है समझो कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया, ठीक है? तो ये यहाँ पर रहता है तब जब आप लोग कुछ नया करते हो। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ नया खोजा जा रहा है नेचुरल फार्मिंग के नाम पर लेकिन अक्सर जो है नहीं कहते हैं, जब कई बार लोग कहता होता है, जब कई बार लोग आंखें बंद कर कर दूसरों को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो भाई साहब उनकी वाट भी लग जाती है, जैसे कि अभी श्रीलंका की लग गई। क्या हो गया वहाँ पर? नेचुरल फार्मिंग हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हमारे देश में सराहा भी जा रहा है, अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। पर लेकिन सिचुएशन भी तो देखनी चाहिए ना कि हमारा देश कहाँ पर किस तरीके से चल रहा है। श्रीलंका ने उठाकर ऐसा कैसा कॉपी मार दिया, ठीक है? उन्होंने ये भी नहीं देखा कि तुम्हारी खस्ता हालत हो रखी है, तो उससे कंडीशन खराब होगी, ठीक है? तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं कि अपने भी प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए कि सामने वाला कर रहा है सही है, वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है? पर लेकिन तुम्हारी कंट्री की खस्ता हालत हो रखी है, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पहले रिक्वायरमेंट क्या है किसानों की। तो उनको जो चीज़ें देनी थी वो आप लोगों ने दी नहीं, बस हाँ इन्होंने ऐसा किया तो हमने भी ऐसा कर लिया, तो वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ अपने आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग कर रहे हैं सारे के सारे लोग, आंसर राइटिंग कर रहे हैं। अब एग्जामिनर के सामने दुनिया भर की कॉपी आ रखी है। अब आप लोग ये देखो कि आप लोग की कॉपी में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है कि एग्जामिनर का मन करे कि आप लोग की कॉपी चेक करने में मजा आ जाए। यार बहुत देर से पता नहीं कैसी कैसी कॉपी आ रही थी, भाई साहब ये आई है कॉपी तो इसने लिख रखा है लड़के ने लड़की ने, ठीक है? अब आएगा मार्क्स देने में मजा, वो वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो इसी तरीके से बात करें, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि नेचुरल फार्मिंग को अडेप्ट करो, यानी कि जो मदर अर्थ है वो एक तरीके से नेचुरल है, वो उसकी सॉयल हम लोगों को मिली हुई है, उसके अंदर एक प्रोडक्टिविटी है। पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नेचर तरीके से काम नहीं करते हैं, हम लोग अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर अभी जो है इसी चीज़ को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। सूरत डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर में यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा नेचुरल फार्मिंग को एड्रेस किया गया वर्चुअल एक तरीके से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो इससे क्या रहेगा, हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो पंचायत हैं एक तरीके से उनको सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। नेचुरल फार्मिंग को आने वाले टाइम में पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जाए, इससे जो एग्रीकल्चर है यानी कि जो खेती है उसकी उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी। और जो आज के डेट में हम लोग इतनी सारी दवाइयाँ, नशीली दवाइयाँ खेतों में डालते हैं, देखो आप लोग एक एक पैटर्न देखना, खेतों में गेहूं उगाया किसानों ने, ठीक है, उसमें क्या किया, दुनिया भर की दवाई डालनी पड़ती है, उनकी भी गलती नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारियां लगती है, दिक्कतें होती हैं, तो उसके गेहूं जो आया वो या फिर जो चावल वो निकल कर आए, वो चावल एक तो डायरेक्ट आप लोगों ने खा लिए, दूसरा आप लोग क्या कर रहे हैं वो जानवरों को खिला रहे हैं। कई बार वो नहीं एक तरीके से खल वगैरह, बिनोले वगैरह वो सब चीज़ें डालते हैं जानवरों को, एक तरीके गाय भैंस को दूध देने के लिए, फिर उसके ऊपर से अगर दूध देना बंद कर दे तो उसके इंजेक्शन लगाना स्टार्ट करते हैं, अब वो इंजेक्शन वाला दूध फिर हम लोग पीते हैं। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरीके से हम लोग क्या खा रहे हैं, और फिर कहीं स्किन की डिजीज़ हो रही है, कहीं आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं और कोई दिक्कतें निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं ये सारी चीज़ें यहीं से निकल कर आती है, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो वही चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या है, और सबसे पहले कौन इंसान था जिसने इसको समझा यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग को, ठीक है? तो यहाँ पर इनका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये वन डे टाइप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। इनका नाम है यहाँ पर मासानोबु फुकुओका, ठीक है? और ये नाम से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर जो शिंजो एबे थे यहाँ पर उन्हीं के देश से निकल कर आते हैं, यानी कि जापान से निकल कर आते हैं। तो जापान के फार्मर थे जिनके द्वारा यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस किया गया, ठीक है? द वन स्ट्रो रिवोल्यूशन एक बुक है यहाँ पर उसके फिलोसफर जिनके द्वारा यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस भी किया गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने उस चीज़ को स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया कि केमिकल के बिना भी खेती की जा सकती है, ठीक है? एक तरीके से लाइव स्टॉक के थ्रू, जैसे एक आप लोगों ने देखा होगा जब गन्ने को छीला जाता है खेतों में तो उसमें से खाद पतवार पत्तियां निकलती हैं, तो उसको खेत में डालकर जला दिए जाते हैं। हालांकि जलाना आज के डेट में एक तरीके से गलत चीज़ें हो जा रहा है, पर लेकिन ये एक तरीके का खाद हो जाता है फिर यहाँ पर, ठीक है? तो वो चीज़ें यहाँ पर, तो इसी तरीके से खेती को जैसा है उसी तरीके से रखना, नेचुरल तरीके से लेकर चलना,
जैसे कि ट्री के जो लीव्स वगैरह हो गए, वो सब चीज़ें जो रेजिड्यू हो गया, उनको एज ए खाद के तौर पर यूज़ करना। सबसे सीधी सीधी बात क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पत्ते हुए गाय का भैंस का गोबर हो गया, तो उसको खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि नेचुरल तरीके से चीज़ें चलें। और इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दूँ, यूरोपियन कंट्री जो है इन चीज़ों पर फोकस दे रही है आज के में, जहाँ नेचुरल फार्मिंग की जा रही है वहाँ से वो खाना खरीद रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल फार्मिंग जिस जिस एरिया में वहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेचुरल फार्मिंग जो है वो प्रमोट करती है बेस्ट बेसिकली। यहाँ पर अगर बात करें तो भारतीय प्राकृतिक कृषि, मतलब एक तरीके से ऐसी पद्धति जो कि हमारे देश में पुराने टाइम पर फॉलो की जाती थी, तो इसको यहाँ पर BPKP के नाम से जाना गया, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग को आगे लेकर चल रहे हैं। पर लेकिन यहाँ पर आज के एक फास्ट ट्रैक दुनिया में नेचुरल फार्मिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक इंसान ऐसा है जो नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, तो कई सारे लोग जो है वो प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, और कई सारे लोग जो है इसको छोड़कर वो यहाँ पर केमिकल फार्मिंग पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है एक टाइम तो बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग है, इसी के साथ में उनको ये लगता है यार यहाँ पर अच्छा रिजल्ट भी नहीं आता है, क्योंकि जो रिजल्ट आप लोगों को केमिकल वाला देगा वो नेचुरल नहीं देगा। मतलब ये ऐसे ही है, जो रिजल्ट आप लोगों को एलोपैथी देगी वो आयुर्वेदा नहीं देगी, पर लेकिन आयुर्वेदा जो रियलिटी में जो रिजल्ट देगी वो नेचुरल होगा, क्योंकि वो आप लोगों की बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालती है। आयुर्वेदा या फिर होम्योपैथी की गोली ऐसी है, अगर खा लो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब खा लो तो सही करेंगे, वैसे रिएक्शन इनकी आप लोगों को नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है, जैसी एलोपैथिक की देखने को मिलती है। यानी कि झट मंगनी पट बिहा वाली बात है, तो वो वाली चीज़ें सही नहीं है, पहले समझ लो एक दूसरे को भाई, उसके बाद में शादी कर लेना, वरना फिर पूरी ज़िंदगी एक दूसरे से बंधे रहोगे और लगेगा यार गलत जगह दांव लगा दिए, नहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर जो है वो एक तरीके से सही तो है, पर लेकिन रियलिटी में ये भी देखना पड़ेगा कि वो कितना लोगों को एक तरीके से पेट भर पा रही है। पता चला एग्रीकल्चर जो है वो खेत एक तरीके से उगा नहीं पा रहे हैं, खेतों में प्रॉपर वे में चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, और इसकी वजह से रही सही और ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर लोग भूखे मरने लगे। पर लेकिन दोनों ही चीज़ें हैं, नेचुरल सस्टेनेबिलिटी भी आप लोगों को लेकर चलनी है, यानी कि खेत जो हैं वो ऐसे भी होने चाहिए ताकि वहाँ पर उनके अंदर पता चला जो खा रहे हैं वो जहरी खा रहे हैं हम लोग, तो वही बात है यार, एक दोस्ती इतनी करो कि चिपकने ना लगे। यानी आप लोगों ने सुना होगा अक्सर भी कि सामने वाले को कम से कम स्पेस दो, ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए और भाई साहब उसको जीने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल यह है कि तू कहाँ फ़ोन कर रहा है, कहाँ फ़ोन कर रही है, उसके फ़ोन चेक किए जा रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है वो चेक किए जा रहे हैं। अब यार दोस्ती के थोड़ा तो ट्रस्ट कर लो ना, तो इतना तो चलता है कम से कम। फिर तो वही बात है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो परंपरागत जो कृषि विकास योजना है यहाँ पर फॉर ऑर्गेनिक, तो इसके बारे में बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका क्या मतलब होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आधा पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट आधा पैसा देगी, और ये आधा आधा भी होता है, कई बार इसमें रेशियो चेंज होता रहता है, कभी 70 सेंटर ने दे दिया 30 ले लिया, ठीक है, कभी 60 दे दिया तो कभी उससे 40 ले लिया, ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहता है। जो यूनियन टेरिटरी होती है वहाँ पर 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, तो ये याद रखिएगा। जो टारगेट करते हैं लगभग 10,000 ऑफ क्लस्टर इनके द्वारा बोला गया, 2,000 लाख हेक्टेयर जमीन हम लोग कवर करेंगे, एक टाइम इनके द्वारा दिया गया था। यानी कि काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हवा में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एक कोटेशन भी है यहाँ पर, जो अभी यहाँ पर जो नेचुरल फार्मिंग के जो खोज करते हैं उनके द्वारा बोला गया, द अल्टीमेट गोल ऑफ द फार्मिंग इज नॉट, यानी कि एक तरीके से क्रॉप ग्रो करना नहीं है, तो इज नॉट द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स बट द कल्टिवेशन एंड परफेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप लोग यहाँ से समझिए कितनी शानदार बात बोली गई है। तो अगर कुछ आप लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में लिखने के लिए भी यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पर आप लोग, यानी आप लोगों ने देखा होगा बच्चे पैदा कर दिए, बच्चे पैदा करना ही काम नहीं होता है, उनमें एक संस्कार डालना ताकि वो घर में सबकी इज्जत करें, वो गांव में इज्जत करें, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में इज्जत करें, अपने शहर की, अपने स्टेट की और अपने देश की, ठीक है। तो वहाँ से इज्जत निकल कर आएगी तो देश तक आराम से पहुँचेगी। तो यही बातें यहाँ पर बोली जा रही है, तो उस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग रिलेटेड कई सारे इनिशिएटिव है, जैसे रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ग्रीन इंडिया मिशन। तो ये वो इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम लिए गए ताकि इस चीज़ को और अच्छे से आगे लेकर चला जा सके, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। नेचुरल फार्मिंग जो यहाँ पर आप लोगों को, जिसके बारे में मैंने बात की, यहाँ पर एक इंसान है जिसका नाम है यहाँ पर मासानोबु फुकुआ, ठीक है, हालांकि नाम से यहाँ पर पता चल गया कंट्री का नाम, तो मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, इसका नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर कौन से देश से निकल कर ही आते हैं, अभी डिटेल में मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर नाम अगर दिया जाएगा तो फिर जापान देगा, साउथ कोरिया देगा, चाइना देगा, कुछ ऐसे ऐसे नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों को इस तरीके से भी कई बार पूछे जाते हैं।
एक और छोटी सी बात यार, आगे बढ़ने से पहले, कई बार आप लोगों के जब मेल आते हैं तो मुझे कई बार हंसी आ जाती है सुनकर। देखो कई बार ना कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे लेक्चर में मुझे लगता है कि जैसे कि पढ़ा रहा हूँ तो बहुत कुछ मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, फिर भी कई बार मेरा मन ना भरता नहीं है, तो मैं ना कुछ कुछ चीज़ें ना आप लोगों की पीपीटी में भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो एक बच्चा कह रहा है सर ये तो क्लास में पढ़ाई नहीं, तो मैंने कहा पीपीटी में है ना चीज़ें। तो कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे लगता है ना, देखो लेक्चर में कुछ लिमिटेशन भी होती है। अब मैं पढ़ाने बैठूंगा, अब मान लीजिए मैं यही टॉपिक हो गया, इस टॉपिक को 1 घंटे तक पढ़ा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर स्कूल में जब चीज़ें पढ़ाई जाती थी तो एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं पूरे लगभग 1.5-2 घंटे तक उसको निपटा के जा रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ तो एक तरीके से फिर वो लगने लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कई सारी चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों की पीपीटी में डाल देता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ मैं स्पेशली कि पीपीटी जरूर डाउनलोड कर लिया करो, तो आप लोगों को उसमें कई सारी चीज़ें अक्सर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। पर लेकिन क्वेश्चन मत पूछा करो क्यों डाली है, आप लोगों के लिए डाली है यार, ठीक है, अपने लिए तो डाली नहीं थी, ओके। जैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंस अगर लिखने के लिए आ जाए आप लोगों के लिए, तो क्या क्या यहाँ पर करता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा, इंश्योर करेगा बेटर हेल्थ, रेजिलियंस रहेगा, लाइफ स्टॉक को भी सस्टेन करेगा, गाय भैंस खाएंगे तो ठीक रहेगा, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन भी करेगा। पांच कंपोनेंट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर बात की जा रही है जीवामृत, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर मल्चिंग, ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन, वापसा, ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बीज अमृत। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना आप लोग हल्का सा, इसके बारे में अभी आप लोगों को पता होना चाहिए नेचुरल फार्मिंग करने के तरीके क्या होते हैं। बेसिकली जैसे बात की जा रही है बीज अमृत, तो काऊ का डंग मिलाकर, ठीक है, उसमें और भी कई सारी चीज़ें दे एक तरीके से नहीं चीज़ों को मिक्स कर कर ताकि उसकी चीज़ें बढ़ी रहें, तो एक तरीके नेचुरल तरीके से होता है। पर लेकिन आज के टाइम पर इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है, तो इसलिए फटाफट अपना यूरिया लाए, अपना वो सब चीज़ें और डाली और काम कर दिया, तो वो दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो सब जगह कोई ना कोई दिक्कतें हैं, पर लेकिन सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब आदतें आराम आराम से खराब, आराम से लंबे समय तक खराब हुई है, तो आराम आराम से लंबे समय तक उसको सुधारने पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक बात है, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछूं कि हमारी कंट्री में अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में और इंडियन नेवी के बारे में, आखिर दो दो फोर्सेस क्यों रखी जाती हैं और इनके बीच में आप लोगों को क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो। बाकी तो आर्टिकल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा ही, सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में, और काफ़ी अच्छे से आप लोग यहाँ पर इसको समझ भी पाएंगे। PADM में क्या है यहाँ पर, ये सेंट्रल के द्वारा भी यहाँ पर एक पेमेंट सिस्टम के बारे में बात की जा रही है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। PIB के द्वारा भी कवर किया गया आर्टिकल, और भी कई जगह कवर किया गया था ये, और बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल है। और खासकर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हमारी कंट्री में नेवी आर्मी एयरफोर्स में कोई ना कोई यार दोस्त रिश्तेदार या घरवाला होता ही है, तो यहाँ पर एक तरीके से अवेयरनेस की भी स्कीम यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है तो पता होना चाहिए आप लोगों को सोसाइटी में, ठीक है। UPSC प्रीलिम्स JS Paper 2 गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात लगी यहाँ पर कि आप लोग बात करें जैसे इंडियन जो आर्मी एयरफोर्स नेवी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, ऐसे यहाँ पर कोस्ट गार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है PADMA, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्स, एक तरीके से डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस, मतलब सैलरी वगैरह हो गई या फिर जो एक्स्ट्रा जो पेमेंट किया था उनको मंथली किस तरीके से उन तक पहुंचाना है उसका एक आसान तरीका ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसी के ऊपर यहाँ पर किया काम किया जा रहा है ताकि जो भी पे अलाउंसेज हैं 15,000 कोस्ट गार्ड को यहाँ पर उन तक पहुंचाया जा सके। आप लोगों को एक बात बता दूं, दुनिया में सबसे बड़ी कोस्ट गार्ड जो सेना है वो किसकी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी है USA की। पर लेकिन USA के अंदर पांच आप लोगों को देखने को मिलेंगी है, जैसे कि फोर्सेज के बारे में बात करते हैं आर्मी एयरफोर्स और नेवी और इसी के साथ में मेरीन कॉर्प्स, और यहाँ पर बात करें कोस्ट गार्ड आप लोगों को जो नजर आएगी वो इसकी सबसे छोटी यूनिट है इसकी सारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, पर लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे बड़ी है यहाँ पर ये। आप लोगों को 36,000 के करीब यहाँ पर कोस्ट गार्ड के लोग देखने को मिलेंगे, जबकि अगर बात करें हमारी कंट्री में अराउंड 15,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो पहले पर है USA, चौथे पर हम हैं, बीच में दो बच गए, दूसरा और तीसरा वो कौन है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट जो ऑपरेट कहता है यहाँ पर पे अकाउंट ऑफिस कोस्ट गार्ड, ये नोएडा के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। नोएडा जो है वो NCR के रीजन के अंदर ही नज़र आप लोगों को आता है, बेसिकली दिल्ली से सटा हुआ एरिया। तो यहाँ पर ये लॉन्च की गई सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम एक तरीके से ऐसा सिस्टम होता है, मान लीजिए आज की डेट में आप लोग एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं किसी पर्टिकुलर बैंक के अंदर में, तो इसका मतलब ये होगा कि अब आप लोग दूसरा अकाउंट उसके अंदर नॉर्मली नहीं खुला सकते हैं उस सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ में, ठीक है। कोई स्पेशलाइज कैटेगरी हो तो एक अलग बात है,
वरना वो पकड़ लेंगे और बोलेंगे भाई दूसरे को खुला रहो यार, एक तो है इतना पैसा हो गया क्या, एक में नहीं आ रहा है, दो दो अकाउंट चाहिए एक ही बैंक में, ठीक है। तो पकड़ के पूछते हैं फिर वो, ठीक है, मतलब पूछते नहीं है, एक तरीके से सेंट्रलाइज का मतलब ये हो गया, अपनी खुद की ब्रांच में नहीं जाने की जरूरत है, कहीं भी जा सकते हो, सब जगह फैसिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर ये सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, इसी के साथ में फाउंडेशन और इसका रखा गया डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर के द्वारा, ताकि यहाँ पर जो पे अकाउंटिंग सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कराया जा सके मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा फोकस यही है कि कैसे डिजिटल इंडिया को आगे लेकर चलना है, और यहाँ पर ई गवर्नेंस के ऊपर फोकस देना है। तो PADM में जो है वो स्ट्रेंथन करेगा डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट और आत्मनिर्भर भारत के बारे में ये बातें यहाँ पर बोलेगी। बातें तो बड़ी प्यारी प्यारी हैं, पर लेकिन कुछ बातें मैं आप लोगों यहाँ पर बता दूं जो कि आप लोग समझ सकते हैं, इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन ही बन जाता है। हमारी कंट्री में, जो हमारा देश है, अगर बात करें उसके अंदर में टोटल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जो कि कोस्टल एरिया को टच करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, इसी के साथ में ये हो गया केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये लगभग 7,500 का आप लोगों को किलोमीटर एरिया देखने को मिलेगा। तो इस ए पर्टिकुलर एरिया में कहीं पर कोई किसी तरीके से इंसानों की खरीद फरोख्त हो रही है, ठीक है, कोई स्मगलिंग की हरकतें कर रहा है, तो किस तरीके से कोस्टल एरिया में कोई, जो हमारी पर्टिकुलर जो एरिया है, जैसे कि अलग अलग चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है कोस्टल एरिया में, कोई सामान आ रहा है, कोई लेके जा रहा है, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना वहाँ पर, तो ये काम करता है हमारी कंट्री में कोस्ट गार्ड। पर लेकिन अगर थोड़ा सा लार्ज स्केल पर आप लोग बात करेंगे, जैसे कि किसी कंट्री के साथ में लड़ाई होगी, तो वहाँ पर कोस्ट गार्ड नहीं, नॉर्मली वहाँ पर आप लोग को इंडियन नेवी नजर आएगी, तो वो आप लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करती नजर आएगी। कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड, इनको बोलते हैं ICG, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्ट करते हैं मैरीन और एक तरीके से मैरीटाइम जो इंटरेस्ट है, और इन्फोर्स करते हैं मैरीटाइम लॉ। इसके बारे में बात करें तो ये एक तरीका टेरिटोरियल वाटर और इंक्लूडिंग कॉन्टिगस जोन और एक्सक्लूसिव जोन, तो ये जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आप लोगों को पता है, आप लोग जब यहाँ पर बात करते हैं तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल एयर स्पेस, तो इसके अंदर आप लोगों को इंटरनल जो बेसिकली वाटर होता है और टेरिटोरियल वाटर होता है, यहाँ पर कॉन्टिगस जोन होता है और एक्सक्लूसिव जोन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहां पर नॉर्मली व्यापार वगैरह आप लोगों को होते नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो टेरिटोरियल वाटर है, इंक्लूडिंग कॉन्टिगस जोन और एक्सक्लूसिव जोन, ये जुडिक्शन कोस्ट गार्ड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उनको 1978 में बनाया गया, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के हिसाब से, और इसी के साथ में यहाँ पर रुस्तम जी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया। देखिए, जब किसी चीज़ की जरूरत होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसको बैठकर सोचना चाहिए आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट है और क्यों रिक्वायरमेंट है, अगर है तो उसको रखो और नहीं है तो ज़िंदगी में से निकाल के फेंक दो। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पर जब बात की गई तो यहाँ पर बोला गया कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसके, और यहाँ पर रुस्तम जी कमेटी के द्वारा अलग से जो नेवी के पैटर्न में यहाँ पर फोर्स बनाएगी जो कि इंटरनल चीज़ों को देखेगी ना कि एक्सटर्नल। कोस्ट गार्ड फोर्थ लार्जेस्ट है, मैंने बताया अभी, यहाँ पर हमारे देश की, चौथे नंबर पर इंडिया है, पहले नंबर पर US है, बाकी बीच में दो कौन है ये आप लोग को बताना है। कल को चलकर कहाँ ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल स्पिल मतलब कोई भी टैंकर जो है फट गया, उसके अंदर से तेल निकल गया, तो अब यहाँ पर काम कौन करेगा, तो कोस्ट गार्ड काफी बड़ा रोल प्ले करती है। आर्म फोर्स सर्च और रेस्क्यू जो ऑपरेशन होते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करती है। मेरीन टाइम इन्फोर्समेंट के बारे में बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जोन इसके डिवाइडेड होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर बात करें 5 कोस्ट गार्ड जोन है, जिसमें नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार रेस्पेक्टिव रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग रीजन में, जैसे कि गांधीनगर हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग ये जरूर याद रखेगा, कोस्ट गार्ड के नॉर्मली जो ऑफिस होंगे या फिर कुछ इससे जो हेडक्वार्टर वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे जो है अक्सर, जो कि इस तरीके से ना हेडक्वार्टर नहीं सॉरी कमांड जो होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आप लोग कोस्टल एरिया में देखने को मिलेंगे, ऐसे ही कोस्ट गार्ड के आप लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी कई सारी बेसिक चीजें, अगर बात की जाए तो इसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा। अब जब सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम हो जाता है तो RTGS हो जाएगा और NEFT हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है चेक जो है, चेक ट्रंक एक तरीके से जो चेक के ऊपर फोकस दिया जाता है, और दूसरा दिया जाता है यहाँ पर एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेक का जो ट्रंकेशन है, एक तो वो देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, पर लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम थोड़ा आसान हो जाता है, तो इसको ज़्यादा तरीके से फॉलो करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। यानी कि एक तो हो गया अपना जाम ताम इधर उधर करके चीज़ें चल रही है, दूसरा ये हो गया कि हाँ इस तरीके से यहाँ पर ये पैटर्न में चीज़ें चल रही हैं, तो पैटर्न से क्या रहता है, आसानी से चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट भी हो पाती हैं। ओके, अभी यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसे कि अभी यहाँ पर आप लोगों को दो शब्द देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो RTGS और यहाँ पर बात कर रहे हैं NEFT, तो ये इनेबल करते हैं रियल टाइम ट्रांसफर फंड को, ठीक है, जो बेनिफिशरी के अकाउंट में जाते हैं, तो ये एक तरीके से लार्ज वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है। NEFT जो है फंड करते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिसीव
पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यही बातें यहाँ पर बोली गई। तो बोला गया कि यहाँ पर कौन कौन सी करेक्ट है, पर लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिलेगा दोनों की दोनों इनकरेक्ट है, इनको इस तरीके से रिप्लेस कर दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट दिखे तो समझ जाना कुछ ना कुछ घपला खेला जा रहा है, आप लोग घोंचू बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो आप लोग घोंचू नहीं हो, एसएलवी आर्मी के कमांडो हो, तो एसएलवी आर्मी के कमांडो जो है वो कभी किसी के बहकावे में नहीं आते, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं, कभी किसी के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर इसका डी हो गया। तो ये याद रखिएगा जुडिक्शन एरिया क्या क्या है, हमारी कंट्री कौन से नंबर की, कोस्ट गार्ड क्या क्या है, ये सब बातें आप लोग कईयों बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घर में अगर कोई नेवी में हो तो भी आप लोगों से क्वेश्चन अक्सर बन जाया करते हैं। तो अपनी नींव इतनी स्ट्रांग रखनी है कि क्वेश्चन बने, तो क्वेश्चन हिल जाए, आप लोगों को ना हिला पाए जरा सा भी, ठीक है। तो ये था पूरा इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में भी जान लिया हम लोगों ने, और क्या क्या बातें चल रही है वो भी जान लिया, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने कई बार देखा होगा हमारी कंट्री में कई सारी ऐसी जो एयर जो सर्विस देने वाली कंपनीज हैं, जैसे इंडिगो हो गया, ठीक है, विस्तारा हो गया, इसी के साथ में अभी हम लोग बात करें स्पाइस जेट के बारे में, एयर इंडिया हो गया जो कि अभी टाटा के द्वारा एक्वायर की गई है। अभी स्पाइस जेट के बारे में पूरा आर्टिकल है, और स्पाइस जेट के चारों ओर जो ये आर्टिकल घूमेगा, इसके साथ में आप लोगों को और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके चलते सबसे पहले आखिर ये न्यूज़ में क्यों आया, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ताकि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, इस आर्टिकल के साथ में कोरिलेट भी कर सकें। स्पाइस जेट अभी रिसेंटली जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, जो यहाँ पर DGCA के द्वारा सेफ्टी नॉर्म्स प्रोवाइड कराए गए, DGCA का नाम होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि जो भी हमारी कंट्री में जो हवाई यात्रा की जाती है उसके लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं हमारे देश में, वो DGCA के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके अंडर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है। इसने अभी क्या किया, इसने रिसेंटली अभी एक सो कॉज नोटिस दिया स्पाइस जेट को, और उसको ये बोला कि भाई साहब ये जो हरकतें चल रही हैं आप लोगों की फ्लाइट के अंदर में, इन हरकतों को आप लोग क्यों नहीं सुधार रहे हो, और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। दिक्कतें मतलब अभी आप लोगों ने देखा होगा ये जो पिक्चर थी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें स्पाइस जेट की जो फ्लाइट थी उसमें खासकर ये इतना बड़ा टर्बुलेंस हुआ कि आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, एक जो बीच में नहीं होती है जो रेडी रहती है जिसपे सामान रखा रहता है, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे उलट गई। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल सारी चीज़ें ऐसे ध्वस्त हो गई, यहाँ पर कई सारे लोगों को छोटी मोटी चोटें भी आई हैं। तो यहाँ पर ये पिक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। जैसे ये पिक्चर वायरल होती है तो जो DGC है वो एक्शन लेता है, और वो एक एनालिसिस भी करता है कि आज की डेट में जो यहाँ पर स्पाइस जेट है वो कैसी सर्विस प्रोवाइड करा रही है। हालांकि अगर बात करें तो ये सारी बातें ये बोलते हैं कि बहुत ही बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। लास्ट टाइम जब ट्रेवल किया था मैंने स्पाइस जेट से, तो वे बाकायदा टैक्सी की सर्विस भी आप लोगों के घर भेज रहे थे, ठीक है, कि टाइम पे टैक्सी आ जाएगी आप लोगों को ले जाकर, जो बेसिकली आप लोगों को एयरपोर्ट पर ले जाकर ड्रॉप कर देगी टाइम टू टाइम, जिस तरीके से आप लोगों की फ्लाइट है उसके बेस पर। लेकिन अगर बात करें आज की डेट में, फिलहाल के टाइम पर बहुत ही पुअर इंटरनल सेफ्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी स्पाइस जेट की, जो कि यहाँ पर DGCA के द्वारा बताए गए हैं। अभी यहाँ पर मिड एयर जो इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं वो इतने ज़्यादा हैं, अगर मई के महीने से आप लोग बात करें तो कई बार 8 बार यानी कि लगभग 8 बार मई के महीने से अब तक यहाँ पर ऐसे टर्बुलेंस जो है वो देखने को मिल चुके हैं, और कई सारी और भी दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ बातें बताऊंगा जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए खासकर इसके बारे में, और कुछ लिखने के लिए भी आता है तो आप लोग उनको भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्पाइस जेट जो है वो फेल हो गई है एक सेफ इफिशेंट और रिलायबल एयर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। आप लोग ये सोचिए, आप लोग एक हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं और उस हवाई जहाज में जहाज के अंदर धुआं आने लगे, तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही एक पुअर कंडीशन में उस हवाई जहाज को रखा गया है, ठीक है। इसी के साथ में देखिए कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, मान लीजिए चिड़िया टकरा गई हवाई जहाज के साथ में, वो तो अपने हाथ में नहीं है, पर लेकिन अगर वहाँ पर बदबू आ रही है हवाई जहाज के अंदर में, मच्छर या मक्खी हवाई जहाज के अंदर में घूम रहे हैं, तो ये तो इसका मतलब आप लोगों ने सर्विस डिग्रेड कर रखी है, आप लोगों ने सर्विस जो है वो ढंग से प्रोवाइड ही नहीं करा रहे हो। आप लोग आज उड़ने से पहले जो प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, जो इंटरनल सेफ्टी होनी चाहिए, वो आप लोगों ने डिग्रेड कर रखी है कम्प्लीटली, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के लिए इनको यहाँ पर नोटिस दिया गया है। इवन अगर कोई जहाज में कोई दिक्कत हो जाती है उसको ठीक किया जाता है, कई सारे पार्ट्स खराब हो गए उनके पार्ट्स को बदला जाता है, तो अब तक यहाँ पर उनका भी इनके द्वारा जो है अब तक यहाँ पर पेमेंट नहीं किया गया है। ये कंडीशन यहाँ पर अभी जो है इनकी देखने को मिल रही है, यानी कि फिलहाल के टाइम पर अभी यहाँ पर एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं इनकी खस्ता हालत हो रखी है। अभी यहाँ पर इनके जो पुराने जो साल था उसमें देखा गया कि कितना ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन पड़ा हुआ है, तो ये बोला गया 1000, ये आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे, 1259 के करीब यहाँ पर 1259 करोड़, इतना फिलहाल के टाइम पर इनका जो है अभी फिलहाल जो है लॉस देखने को मिला था, यानी कि 1000 करोड़ इनका लॉस देखने को मिला था लास्ट ईयर का,
और इस साल का जो कि अभी इनका एक प्रेजेंट किया जाना था लॉस, अभी इनके द्वारा प्रेजेंट भी नहीं किया गया है। वैसे देखा जाए तो नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर होता है तो 31st जो अभी यहां पर मार्च गए उसमें चीजें हो जाती हैं, पर लेकिन अब तक चीजें जो हैं वो सामने निकल कर नहीं आ रही है। कई सारे लोग ये बोल रहे हैं हालांकि कि COVID-19 के चलते जो है ये एयरलाइंस की सर्विस है उनके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ा। चलो समझ में आता है, एयरलाइंस के ऊपर अकेला इंपैक्ट नहीं पड़ा, वो बहुत सारी चीजों के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, पर लेकिन क्या आप लोग ये सर्विस नहीं सुधारोगे? अगर कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चलेगी तो फिर आप लोग उसको कैसे करोगे? ठीक है, तो आप लोग जो नॉर्मल चीजें होती हैं ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि मेरे पास में पैसे नहीं है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। अरे यार, आज की डेट में इतने सारे लेक्चर हैं ऑलरेडी ऑनलाइन मिलते हैं तो आप लोग उनसे भी तो पढ़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे उनको पढ़कर उनके थ्रू सिलेक्शन लेकर जा रहे हैं। एक्सरसाइज इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मेरे पास में कोई आसपास में जिम नहीं है, मतलब जिम से ही एक्सरसाइज होगी। अबे घर में कूद फांद कर लो, अपने कार्डियो वगैरह कर लो, अपना रनिंग कर लो, योगा कर लो, उनसे भी एक्सरसाइज, वो भी एक तरीके से हेल्थ सही करती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हमारे पास में रिसोर्सेज को हम लोग दोष देते रहते हैं कि हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है। तो जो नॉर्मल चीजें हैं, साफ सफाई करवाना, इन सब चीजों के ऊपर तो आप लोग ध्यान दे सकते हो ना। आप लोग वो भी नहीं कर रहे हो तो ये इसके लिए किसको यहां पर दोषी ठहरा जाए, तो ये बात बेसिकली यहां पर बोलने वाली है। अब मैं आप लोगों को यहां पर एक बात बताने वाला हूं जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, और ये कई बार आप लोग इसको समझोगे तो अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। ये तो कंडीशन मैंने आप लोगों को दिखाई दी। अभी यहां पर अगर बात करें, तीन तरीके से डिवाइड किया था। पहले तो अगर कोई ऐसा टर्बुलेंस देखने को मिल रहा है, आप लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया। जब कहीं पर भी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो एक बकायदा उनको क्या करना पड़ता है, उसके लिए यहां पर इनको एक इंश्योरेंस रहता है, तो उसके चलते यहां पर इनको पेमेंट भी करनी पड़ती है। कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं अगर वो एक्सीडेंट की कैटेगरी में आता है। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, वैसे पहले मैं बता दूं कि तीन कैटेगरी डिवाइड की गई है। पहले में बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया, दूसरे बोलते हैं यहां पर सीरियस इंसिडेंट हो गया, ठीक है, सीरियस इंसिडेंट, और तीसरे बोलते हैं इंसिडेंट हो गया। तो ये तीन कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। एक्सीडेंट का तो मतलब ये हो गया कि एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब ये होगी किसी ने किसी पैसेंजर की डेथ हो गई, या फिर सीरियसली इंजर्ड हो गया कोई ना कोई पैसेंजर, या फिर एयरक्राफ्ट जो है वो डैमेज हो गया। अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है तो उसको आप लोग एक्सीडेंट की कैटेगरी में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। पर लेकिन अक्सर क्या होता है, ये कई सारे एक्सीडेंट जो होते हैं उनको भी ये क्या करते हैं, ये इंसिडेंट या फिर सीरियस इंसिडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। सीरियस इंसिडेंट का मतलब क्या है कि एक्सीडेंट होते होते बच गया, यानी कि सीरियस इंसिडेंट बोलते हैं एक्सीडेंट हो जाता पर होते होते बच गया। और इंसिडेंट का मतलब क्या है कि हाँ ठीक है कि सेफ्टी जो है फ्लाइट ऑपरेशन की वो इफेक्ट हो रही है, उसके ऊपर काम नहीं किया प्रॉपर वे में और वो हम लोगों को करना है। तो जैसे ही एक्सीडेंट हो जाता है तो इनको यहां पर उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए बकायदा इनके ऊपर एक चेकिंग बैठेगी, पूरे प्रॉपर वे में चीजें चलेंगी। तो हर बार जब भी एक्सीडेंट कोई होता है, जैसे अगर आप लोग इसको क्या बोलोगे, ये एक सीरियस इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट की कैटेगरी में, यहां से थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाता, किसी न किसी इंसान की जान जा सकती थी, तो उसको सीरियस इंसिडेंट की कैटेगरी में ज्यादा रखना ही पसंद करते हैं और सेफ्टी जो भी होती है उसको डिग्रेड करके रखते हैं, जिसकी वजह से कंडीशन देखने को मिलती है। तो आज की डेट में अगर बात करें तो अगर यहां पर मुझे ऐसा लगता है, जैसे अभी आप लोगों को पता है कि एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया, तो टाटा अगर उसमें एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करके अगर पब्लिक में लेकर आता है तो मुझे लगता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है उनके सबके तोते उड़ जाएंगे जिस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करा रही है। अभी अगर स्पाइस जेट के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, पिछले कुछ टाइम में अभी ऐसा हुआ कि इंजन जो थे इनके ओवर हवा में शट डाउन हो गए, इनको बैक अपना जो जहाज है वो जमीन पर लेकर आना पड़ा, ठीक है। इसी के चलते जो स्मोक देखने को मिला, इनके धुआं देखने को मिला, ठीक है, इसी के साथ में बर्ड स्ट्राइक कर गई। चलिए वो तो अपने हाथ में है नहीं है बर्ड स्ट्राइक कर जाना, पर इंजन का फेलियर हो जाना, इसका मतलब आप लोगों ने इंजन को ढंग से सर्विस ही नहीं दिया गया है। आप लोगों के हवाई जहाज जो है पुराने हो रखे हैं, आप लोग उनको प्रॉपर तरीके से लेकर ही नहीं चल रहे हो। ऑक्सीजन का लेवल अगर ड्रॉप हो जाए उसके अंदर में तो कितने सारे लोगों की जान जा सकती है, आप लोग ये देखिए, ठीक है। कई बार आप लोग की रडार काम करना बंद कर देती है, रडार अगर प्रॉपर वे में काम नहीं करेगी तो कैसे आप लोग यहां पर अपने सिग्नल जो है रिसीव या फिर सेंड कर पाओगे, आप लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं यहां पर। तो ये सारे जो भी मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बात बताई, ये सारे इंसिडेंट जो है यहां पर अभी रिसेंटली जो है स्पाइस जेट के अंदर यहां पर देखने को मिले हैं। तो इसके चलते यहां पर डीजीसीए ने इनको यहां पर सोकोज नोटिस दिया है कि सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे, क्योंकि आप लोग लोगों की जान से खेल रहे हो। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि मौत का ताबूत लेकर उड़ रहे हो, पता नहीं कब फट जाए, तो किस तरीके से यहां पर काम चलेगा। कल को चलकर कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, आप तो जरा सी देर में बोल दोगे साइड में हो गया कि हाँ हमारा भी नुकसान हो गया बहुत सारा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो अभी जो लॉस है उसकी भरपाई चलनी रही, तो इसको नहीं चलता है घर में काम बस हाँ ठीक है चला लो यार अभी चल रही है, अभी कहीं खस्ता हालत है अभी इसलिए चल लो, पर लेकिन जब उस खस्ता हालत के चलते किसी की जान हो चली जाए तो यहां पर ये बहुत दुर्घटना वाली बात हो जाएगी, एक इंसान की जान चली जाना। अभी यहां पर डीजीसीए के द्वारा ये बोला गया, हालांकि ऐसा नहीं कि यही हरकतें इनकी देखने को मिल रही है, इंडिगो के अंदर भी यहां पर अभी देखने को मिला, रायपुर इंदौर जो फ्लाइट थी उसमें स्मोक देखने को मिला, ठीक है, विस्तारा के अंदर भी यहां पर देखने को मिला, बैंकॉक टू दिल्ली जो फ्लाइट थी यहां पर उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल मेल फंक्शन यहां पर देखने को मिले प्लेन के अंदर में, जिसकी वजह से उसको लैंड करना पड़ गया।
तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब डीजीसीए का मानना यह कि नोटिस तो चले जाते हैं पर नोटिस के ये मजाक बनाते हैं, उसको सीरियसली लेते ही नहीं है कि ठीक है नोटिस दे दिया छोड़ दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना आंसर राइटिंग कर लो, अरे ठीक है बोलते रहते हैं सर आंसर राइटिंग कर लो, ठीक है कर लेंगे, पर लेकिन रियलिटी में तब समझ में आता है जब आप लोग मेंस लिखकर आते हो और उस टाइम पर कहते हो कि यार आंसर राइटिंग नहीं हो, उस टाइम पर बहुत सारे मेल आते हैं कि सर इतनी बार बोला आंसर राइटिंग करने के लिए, काश आंसर राइटिंग कर ली होते, तो वो वाली चीज होती है। प्रैक्टिस करने के लिए बोलता हूँ कम से कम एटलीस्ट 20 से 30 क्वेश्चन डेली एमसीक्यू आप लोग लगा लो, तो ये आप लोगों का अच्छा लेवल बना देंगे जब तक आप लोगों का एग्जाम आएगा। पर लेकिन इसको भी कोई फॉलो नहीं करता है, इवन यहां तक भी चीजें फॉलो नहीं करते हैं। मैं बोलता हूँ वीडियो कंप्लीट हो जाए तो 5 मिनट आप लोग रिकॉल कर लो वीडियो को कि हाँ जो जो मैंने पढ़ाया आप लोगों के माइंड में वो चीजें सेट हो जाएं। आप लोग खुद बताओ आप में से कितने सेल्फी फैमिली मेंबर है जो ये काम करते हैं। अच्छा दिल पे हाथ रख के बोलना, ठीक बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, बस लेक्चर खत्म हो गया बंद कर दिया और साइड में फेंक दिया उठाकर मोबाइल, ये है कि नहीं रियलिटी? चलो आप खुद बताओ, अपने दिल पे हाथ रखकर झूठ मत बोलना, ठीक है? ये मैं बता सकता हूँ कि अगर 1 लाख लोग लेक्चर देख रहे हैं, आप लोग खुद देखिए 1 लाख में से मुझे लगता है कि मुश्किल से 5% लोग ये करते होंगे, ठीक है? इवन 5% भी क्यों बोला, क्योंकि 5 से 10% आप लोग मैक्सिमम लगा सकते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उनको मैं बोलता हूँ वीडियो लाइक कर देना तो वो लाइक करते हैं, ठीक है? आप लोग देखो 1 लाख लोग देख रहे हैं वीडियो को, लाइक कितने कर रहे हैं, 5 से 6 हजार लोग लाइक कर रहे हैं, मतलब इसमें तो कोई टाइम ही नहीं लग रहा है, 1 सेकंड लग रही है। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉम्पिटिशन कितना कम है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सीरियस होकर काम करोगे ना तो भाई साहब कॉम्पिटिशन है नहीं है, 99% लोग ना लापरवाह होकर घूमते हैं और उनको ये लगता है कि उनकी जगह कोई और मेहनत कर लेगा और उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और उनको ये लगता है कि कोई और आकर उनकी जगह पढ़ लेगा, कोई और आंसर राइटिंग कर लेगा, कोई इंग्लिश इंप्रूव करने की बात करे तो कोई उनकी जगह आकर कोई और इंग्लिश इंप्रूव कर ले। यहां तक भी लोग सोचते हैं कि उनकी जगह कोई और आकर एक्सरसाइज कर ले तो उनकी हेल्थ बन जाए। ऐसा नहीं हुआ यार आज तक, उन्हें ही आगे होने वाला है। तो आप लोगों को अपने लिए अपने खुद से काम करना पड़ेगा, और ये आप लोगों में कुछ ही बोलो, आप लोग यार दोस्त बड़ा भाई छोटा भाई जो भी आप लोगों को लगता है, जो आप लोग लगता है कि ये सजेशन आप लोग मान सकते हैं तो प्लीज यार इनको इंप्लीमेंट करके चलो। अपना दिन देखो, पूरा दिन जो भी आप लोगों ने यूटिलाइज किया है उसमें क्या क्या कमियां हैं खामियां जो आप लोग इंप्रूव कर सकते हो उनको इंप्रूव करके चलो। और ये छोटी छोटी स्टेप जब आप लोग उठाते हो ना तो आप लोग की जिंदगी में एक चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों को लगता है एक दिन में ही सारे चेंज आ जाएंगे, नहीं होता है मेरे दोस्त। अगर बॉडी पर फैट चढ़ा है तो वो आराम आराम से चढ़ा है पिछले 5-6 महीनों के अंदर में, कम से कम 2-3 महीने तो दोस्तों कम होने के लिए। आप लोग सोचते हो चुटकियों में खत्म हो जाए, ऐसे नहीं हुआ करते। तो ये चीजें हैं, पढ़ाई में सोचते हो एकदम आ जाए, यार माँ के पेट से सीख के थोड़ा ना आता है। जिसने भी प्रैक्टिस किए यहीं पर आकर किए तो आप लोगों को भी यहीं पर ये प्रैक्टिस करनी है और चीजों को आगे लेकर चलना है। आई होप कि ये बात आप लोगों के अंडर तक जाएगी। थोड़ा सा हो सकता है कड़वी लगे, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, पर लेकिन यार कड़वी दवाई अक्सर सेहत बनाती है, आप लोगों की बीमारी को ठीक करती है। अब आप लोग देख लीजिए आप लोगों को क्या करना है। मेरा काम तो वही है, लेक्चर बनाता हूँ डेली चला जाता हूँ, पर लेकिन आप लोग अगर ढंग से लेकर उसको चलोगे सीरियस तरीके से तभी रिजल्ट में निकल कर आएंगे, ठीक है? तो प्लीज रिक्वेस्ट है, टाइम और पैसा दोनों आप लोगों के लगे हुए हैं, आपके तो खैर टाइम लगा है, पैसा माँ बाप का लगा हुआ है, तो उसको ढंग से यूटिलाइज करो यार। आगे जिंदगी में बहुत लंबी जिंदगी है और अच्छे से उसको इंजॉय करना है, पर लेकिन अब इंजॉय करोगे तो लंबा इंजॉय नहीं कर पाओगे। अभी फिलहाल पढ़ाई करनी है और फिर लाइफ में इंजॉय कर पाओगे, पढ़ाई को भी इंजॉय करके करो, ठीक है? तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो 2 क्वेश्चन देता हूं उनके आंसर जरूर दिया करो, बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर करते हैं और एक दूसरे का रिव्यू भी आप लोग कर सकते हो, ओके? हां जी, के बारे में बात करें तो यहां पर ये जो गुफा है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है कि शिवलिंग बनता है, और ये जो शिवलिंग है यहां पर ये काफी एक तरीके से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग बात करें हिंदू धर्म के अंदर काफी बड़ी मान्यता रखता है ये जो गुफा है। अगर इसके बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये काफी पवित्र गुफा मानी जाती है यहां पर, जो कि लगभग 19 मीटर की, तो ये आप लोगों को लंबी देखने को मिलेगी, 16 मीटर की लगभग चौड़ी है, और इसी के साथ में 11 मीटर लगभग ऊंचाई इस गुफा की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो श्रद्धा है उसी के चलते लोग जो है इतनी ऊंचाई पर जाते हैं और इतनी ठंड रहती है वहां पर जाते हैं, और खासकर जब आप लोग समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखोगे तो लगभग यहां पर 3848 मीटर के करीब आप लोगों को इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। तो भगवान शिव का शिवलिंग बनता है यहां पर बर्फ से। अब ये कैसे शिवलिंग का फॉर्मेशन होता है वो मैं आप लोगों को अभी आगे बताऊंगा, पर लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहां पर है अमरनाथ केव, ठीक है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसके चलते अगर देखें तो आप लोग जैसे तैसे लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं एक तरीके से भगवान का नाम लेते हुए, बोल बम जय जय बम बम, ठीक है? तो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं श्रद्धा जो है वो उनको वहाँ पर खींच कर ले आती है। इसके रास्ते भी हैं कई सारे अगर आप लोग यहाँ पर देख पाते हैं, पर लेकिन कोशिश ये की जाती है कि हर जगह सिक्योरिटी देखने को मिले, ठीक है? तो ये पहलगाम है, एक तो यहाँ से होता हुआ जाना, और दूसरा यहाँ पर बालटाल, ठीक है? तो यहाँ से आप लोगों यहाँ पर ये चीज़ें पहुँचती नजर आएंगी। तो दोनों के दोनों रास्तों पर जो है वो सिक्योरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब जो आप लोगों से यहाँ पर मैं बातें करूँगा, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मैंने बताई थी यहाँ पर 2 तरीके से जा सकते हैं, या तो आप लोग पैदल जा सकते हैं या फिर पोनी, यानी कि जो खच्चर होते हैं
एक उनके ऊपर आप लोग यहाँ पर सवारी कर जा सकते हैं। ठीक है, ये जो केव है इसकी अगर हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात की जाए तो इसके बारे में ये माना जाता है कि अमरनाथ जो इसका नाम रखा गया वो किस बेसिस पर रखा गया, ये माना जाता है कि जो शिवजी थे वो अमर थे तो उनके द्वारा उसकी अमर कथा की जो बातें हैं यहाँ पर जो बताई गई यहाँ पर अपनी वाइफ को पार्वती जी को वो इस गुफा में ले जाकर बताएगी ताकि कोई और न सुन सके यहाँ पर। यानी कि अगर कोई और सुन लेता तो पता चला कोई राक्षस वगैरह सुन लिया किसी ऐसी प्रवृत्ति के इंसान ने, वो भी अमर हुआ घूम रहा है। तो यहाँ पर इसको काफ़ी पवित्र रखा गया इसीलिए यहाँ पर एक तरीके से इनके द्वारा ये बातें बताएगी। और एक तरीके से और एक बात है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर पर्सन ये माना जाता है कि ये खोजी किसके द्वारा गई, तो यहाँ पर 1850 के आसपास में यहाँ पर ये माना जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन थे जिनका नाम था बूटा मलिक। ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के एक गडरिया थे जिनके द्वारा यहाँ पर इसको खोजा गया था। वो भी ये माना जाता है कि उनको एक पर्टिकुलर कोई पर्सन मिले, उन्होंने उसको छड़ी दी और बोला कि इससे तुम्हारे सारे दुख दर्द जो है वो दूर हो जाएंगे। और वो छड़ी जो है उनके द्वारा जैसे ही पकड़ी गई घर पे ले जाएगी उसको पकड़ के, तो वो बताते हैं कि वो सोने की बन गई छड़ी। ठीक है, तो उससे वो इतना खुश हुए मतलब माला माल हो गए। ठीक है, तो कई सारी कहानियां फिर आकर उन्होंने देखा वहां पर तो उनको ये शिवलिंग दिखाई दिया। ठीक है, तो ये कुछ कहानियां हैं इस तरीके से जो जिसके बारे में, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये कहानियां हैं, आप लोगों को कई सारी जो किताबें हैं उसमें भी देखने को मिलेगा। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो एक किताब आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये जो बुक है इसका नाम है राज तरंगिणी। ठीक है, तो राज तरंगिणी जो किताब है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास के बारे में बातें करती है। जो कलहन थे ये कश्मीरी ब्राह्मण थे यानी कि पंडित थे जिनके द्वारा 1148 में यहाँ पर राज तरंगिणी जो है वो लिखी गई थी जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में यहाँ पर बात करती है। ठीक है, संस्कृत में राज तरंगिणी का मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, तो इनके जो राजा हैं उनकी एक तरीके से रिवर इनके रिवर ऑफ किंग्स यहाँ पर इसका राज तरंगिणी का संस्कृत जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा मतलब। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से एग्जाम में बन जाया करते हैं इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप में से कितने ऐसे ऐसे भी फैमिली मेंबर है जो कभी यहाँ पर अमरनाथ की यात्रा पर गए हैं? ठीक है, मेरा बहुत मन है, कभी टाइम मिलेगा तो जरूर घूम के आएंगे। अक्सर ऐसी चीज़ें जो हैं वहाँ पर आप लोगों को मतलब एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है यार, आप लोग ना एक तरीके से इंजॉय कर सकते हो लाइफ को। बर्फ़ देखने को मिलेंगे, पहाड़ देखने को मिलेंगे, रेगिस्तान देखने को मिलेगा, झील देखने को मिलेगी, नदियाँ देखने को मिलेंगे, समुद्र देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा इंडियन ओशन हमारे नाम पर है, तो अपना ही तो है, घर का है अपना पूरा ओशन भाई। चाहो तो जब चाहो डुबकी लगा लो उसके अंदर जाकर। ठीक है, हमारी कंट्री के जब आप लोग राज्य देखोगे इस तरीके से, हमारे जो पेनिनसुलर इंडिया है, तो टोटल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जो कि यहाँ पर समुद्र यानी कि इंडियन ओशन की बाउंड्री को टच करते हैं। तो इतनी बड़ी सीमा टच की जाती है तो अपने ही आप में ये बहुत बड़ी बात है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। एक बड़ा ही डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, हो सकता है आगे किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल जाए। ये आप लोगों को एक या दो क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर मैं, दुनिया में सबसे बड़ा वो कंट्री कौन सा है जो कि एक तरीके से समुद्र की बाउंड्री को टच करता है। एक तो आप लोग ये बताना है हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य कौन सा है जो कि समुद्र की बाउंड्री को टच करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच करने वाला राज्य कौन सा है समुद्र का, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर यहाँ पर ये शिवलिंग आप लोगों को देखने को मिलता है, फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर जो पहाड़ से जो भी बर्फ जो है वो इतना ठंडा होता है, वो पानी इतना ठंडा होता है जब वो टपक रहा होता है तो वो जम जाता है, तो इसको यहाँ पर बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। तो स्टेलेक्टाइट ऊपर से टपकता हुआ जो ठंडा पानी जो बर्फ बन जाता है, और स्टेलेगमाइट बोलते हैं जो नीचे टपक रहा होता है। यानी कि आप लोगों को अगर मैं बोलूं यहाँ पर ऊपर से पानी टपक रहा है और वो टपकता टपकता जम गया है, पर लेकिन नीचे भी टपक रहा है तो टपकते टपकता उसका ऐसी कुछ यहाँ पर आप लोगों को सेप देखने को मिलेगी। तो ऊपर का भी टपकता टपकता यहाँ पर कुछ तो टपक ही रहा है, नीचे आ रहा है और बाकी यहाँ से टपक टपक कर चल रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों पॉइंट जो है वो मिल जाएंगे। इसको ड्रिप और इसको एपेक्स पॉइंट बोलते हैं। तो जब एपेक्स और ड्रिप पॉइंट जो है वो मिल जाते हैं तो फिर यहाँ पर एक पूरा का पूरा जो है वो शिवलिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर होने लगता है। और ये जो शिवलिंग का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, इसके बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए तो लगभग यहाँ पर मई के महीने में फुल शेप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और फिर अगस्त के महीने में ये मेल्ट होना यानी कि पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो दो शब्द हैं यहाँ पर स्टेलेक्टाइट और इसी के साथ में स्टेलेगमाइट, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर यहाँ पर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरीके से यहाँ पर ये शेप आती है शिवलिंग की, और फिर एक पूरा कंप्लीट शिवलिंग जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है बड़ा ही प्यारा सा, ये पूरा शिवलिंग यहाँ पर तैयार हो जाता है जो कि एक तरीके से श्रद्धा का प्रतीक यहाँ पर बन जाता है लोगों के लिए। शिवलिंग के साथ साथ में यहाँ पर यह भी माना जाता है कि इसके द्वारा जो यहाँ पर ये जो प्रोसीजर है यहाँ पर पार्वती और गणेश जी की भी छोटे छोटे सी तरीके शेप जो है वो फॉर्म की जाती है,
और इसी के साथ में यहाँ पर ये भी मनाते हैं कि दो कबूतर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिनको शिव और पार्वती एक तरीके से उनका वास उनमें समझा जाता है। तो ये कई सारी ऐसी धारणाएं हैं कि जो उनको देख लेता है ये समझो कि उसकी जो जिंदगी है वो अमर हो गई। ठीक है, अगर बात करें काफ़ी सिग्निफिकेंस है लीदर वैली में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। अगर पूछ ले आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन कि बताओ कि अमरनाथ की जो गुफा है वो कहाँ पर है, तो काफ़ी सुहाना दृश्य आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये लीदर वैली के अंदर देखने को मिलेगा। स्नो कवर्ड होता है मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो इसका बात करें, और इसके बारे में ऋग्वेदा के अंदर भी मेंशन किया गया है। प्योरिटी एक तरीके से प्योरीफायर ऑफ द गॉड और डिस्ट्रॉयर ऑफ द इविल बोला जाता है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से गुड, यानी कि जो गुड नहीं सॉरी गुड प्योरीफायर ऑफ द गुड, एक तरीके से अच्छाई के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। लॉर्ड शिवा जो है यहाँ पर एक तरीके से लिविंग गॉड यहाँ पर बोला गया है। अगर बात करें प्रेजेंस यहाँ पर कंफर्म की गई है एस्ट्रोनॉमी के अंदर में, वैदिक जो माइथोलॉजी है उसके अंदर में, इवन जो रिचुअल्स हैं उसके अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ये। और एक तरीके से अगर बात करें यहाँ पर हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा त्यौहार होते हैं जो कि देवी देवताओं के साथ में कनेक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इवन कांवर की यात्रा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कांवर की यात्रा भी यहाँ पर देखने को मिलती है जब लोग जो है कांवर लेकर आते हैं अलग अलग एरिया से, तो ये भी यहाँ पर इसी के साथ में कनेक्ट कर आप लोग देख सकते हैं जो कि शिव जी के साथ में है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से अभी रिसेंटली कांवर यात्रा जो थी वो रोक दी गई थी यहाँ पर कोविड-19 के चलते, तो लोगों के द्वारा ये बोला गया था कांवर यात्रा क्यों रोक दी गई, हम तो उसको कंटिन्यू करेंगे। पर लेकिन यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि इंटरव्यू भी क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली, अभी एक बच्चे के द्वारा बताया गया था कि सर ऐसा भी क्वेश्चन बना था जो आपने बताया था, तो आप लोगों को मैंने बताया भी था, याद होगा आप लोगों को, कि जब राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं तो राइट टू लाइफ कहाँ पर आता है, वो पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल किसके अंदर देखने को मिलेगा, आर्टिकल 21 के अंदर देखने को मिलेगा। पर लेकिन राइट टू रिलीजन के बारे में जब बात करते हैं तो आप लोगों को नॉर्मली आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक रहते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 भी कहाँ पर है, ये पार्ट 3 के अंदर ही है, और आर्टिकल 21 भी पार्ट 3 के अंदर ही है, तो इनके फंडामेंटल राइट का पार्ट है दोनों। पर लेकिन जब बात आती है राइट टू लाइफ के बारे में, यानी कि कोविड-19 जो है वो बढ़ेगा अगर लोग जो है सड़कों पर जाएंगे, कांवर की यात्रा करेंगे या फिर नवाज पढ़ेंगे या फिर कोई और सेलिब्रेशन करेंगे, तो बोला गया नवाज भी नहीं पढ़ी जाएगी, कांवर की यात्रा भी नहीं चलेगी, कुंभ के मेले के अंदर भी काफ़ी सारी ऐसी प्रतिबंध लगाए गए ताकि इंसान जो है वो जिंदा रह सके। यानी कि आर्टिकल 21 जो है वो अक्सर जीत जाता है जब राइट टू रिलीजन के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 25 के सामने। तो ये याद रखिएगा, पावरफुल कौन है, जान है तो जान है, अगर इंसान जिंदा रहेगा तभी तो अपने रिलीजन को फॉलो कर पाएगा, अगर जिंदा ही नहीं है तो रिलीजन को कैसे फॉलो करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है कि राइट टू लाइफ जो है वो जीत जाता है जब राइट टू रिलीजन के सामने इसको रखा जाता है। तो ये एक छोटा सा एक पॉइंट है जो कि यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, और आंसर राइटिंग में अगर ये पॉइंट आप लोग यूज़ कर लेते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ चीज़ों को अच्छे से पढ़ रखा है इंसान ने। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फीडबैक जरूर देना यार, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, या फिर जो भी आप लोगों के माइंड में एक तरीके से फीडबैक देने का तरीका रहता है वो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट किया करो। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी।